हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल एजु मंत्रा। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और आज का जो टॉपिक है वो है मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, विच इज द यू कैन सी लास्ट टू इंपॉर्टेंट टिश्यूज जिसकी वजह से एनिमल्स आर वेरी यूनिक इन द एंटायर यू कैन सी लिविंग वर्ल्ड। तो आज सबसे पहले हम लोग मस्कुलर टिश्यू स्टडी करेंगे और बाद में यू कैन सी नर्वस टिश्यू और लास्ट में यू कैन सी वी आर गोइंग टू चेक द MCQs, ओके। सो रेड स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मस्कुलर टिश्यू जो है वो बहुत ही यूनिक टिश्यू है जिसकी वजह से एनिमल्स गेट द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड ऑल्सो मूव देयर बॉडी पार्ट मोर एफिशिएंटली, ओके। और नर्वस टिश्यू एज वी नो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि एनिमल्स जो है दे हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ एगेंसी बॉडी पार्ट्स टिश्यूज ऑर्गन, इन सबको एक साथ एगेंसी बॉड कोऑर्डिनेट करके काम कराने के लिए भी रिक्वायर इज सिस्टम, ओके। तो उसके लिए जो टिश्यू इन्वॉल्व है दैट इज द नर्वस टिश्यू। तो चलिए, तो फिर से वही एगेंसी पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करके देता हूँ कि इफ यू आर स्टडिंग एगेंसी द कंटेंट बेस्ड फॉर द नीट पर्पज, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या है तैयार करने हैं। अगर आप खुद से तैयार करोगे चैप्टर वाइज एगेंसी, आपका नीट का प्रिपरेशन बहुत ही पक्का हो जाएगा। तो दिस 10 थिंग्स जो है आपको तैयार करना है खुद से, ओके। राइटिंग अगर आप खुद से करोगे तो नेचुरली दिमाग में वो ज़्यादा समय तक क्या है फिक्स हो जाता है और उसको रिकॉल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने लिख दिया लेकिन उसको फिर रिकॉल करना होता है, ओके। तो कोई भी चीज़ जब आप देखते हैं सुनते हैं, ओके, तो इट गोज इनटू द मेमोरी, लेकिन उसको रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, ओके। तो इसके लिए जब आप खुद से कोई चीज करते हैं तो बहुत सारे एगेंसी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर उसको रिकॉल करना नेचुरली ब्रेन के लिए बहुत इजी हो जाता है, ओके। चलिए, तो फंडामेंटल टिश्यूज जो है वो चार है, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे आपका मसल्स, उसके बाद में वी विल टच द एगेंसी नर्वस टिश्यू। चलिए, तो मस्कुलर टिश्यू की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है, तो व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू एंड गिव इट्स फंडामेंटल कैरेक्टर्स। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, फिर थोड़ा सा यू कैन सी एडिशनल पॉइंट जो है नीट से लेवल हम लोग उसको टच करेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू किसको कहते हैं, द टिश्यू व्हिच इज इन्वॉल्वड इन मूवमेंट। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ओके, तो दोनों में थोड़ा फर्क है, ओके। तो लोकोमोशन मतलब द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन लोकस टू अनदर। जैसे अभी मैं यू कैन सी जो एक्शन कर रहा हूँ ये खाली मूवमेंट है, लेकिन जब मैं ये एक्शन किया, इस एक्शन में देखिए एक फ्रेम से मैं एक साइड से दूसरे साइड पे जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ, तो दैट इज द लोकोमोशन, ओके। तो लोकोमोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है विद इट्स ओन एफर्ट्स, ओके। कोई आपको लात नहीं मार रहा है, ओके। नाउ, तो मूवमेंट इज ए जनरल टर्म, तो एनी काइंड ऑफ चेंज इन द शेप साइज कॉन्फिगरेशन उसको हम लोग मूवमेंट्स कहते हैं, ओके। और एनिमल में ये दो प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड है, या बोल सकते हैं कि एनिमल का मूवमेंट एंड लोकोमोशन एक यूनिक प्रॉपर्टी। तो चलिए, अभी मेन कैरेक्टरिस्टिक किसी भी मस्कुलर टिश्यू का क्या है उसको देखेंगे। चलिए, तो पहले देखते हैं ओरिजिन। तो मसल्स जो है जस्ट लाइक कनेक्टेड टिश्यू दे आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द मिडल लेयर ऑफ द एम्ब्रियोनिक टिश्यू जिसको मीजोडर्म कहते हैं, मिडल लेयर कहते हैं, ओके। तो कनेक्टेड टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू में जो सिमिलैरिटी है वो है बोथ ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। तो दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड। देन कंपोजिशन, तो मसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स एंड उनके डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव होता है जो सेल यू कैन सी प्रोड्यूस करता है या सेल से जो भी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। देन अरेंजमेंट, हाउ दीज सेल्स आर अरेंज, तो जनरली दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बंडल जिससे फाइबर्स तैयार होता है, एंड इन सम केसेस इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लेयर्स और शीट्स, ओके। देन सेल का शेप कैसा है, तो बेसिक शेप ऑफ ऑल द मसल सेल्स आर दे आर इलोंगेटेड, लंबे सेल्स होते हैं, दे कैन बी सिलिंड्रिकल, या तो सिलेंडर जैसे होंगे या दे विल हैव द स्पेशल शेप बोट शेप स्ट्रक्चर जिसमें द एंड वाला दो जो
पॉइंट है वो पॉइंटेड रहेगा और बीच वाला हिस्सा क्या रहता है ब्रॉड रहता है, तो उसको स्पिंडल शेप या बोट शेप वैकेंसी स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स, आपके मसल में एब्सेंट है। यू कैन सी जो सबसे ज्यादा मैट्रिक्स जिसमें पाया जाता है आपका कनेक्टेड टिश्यू में, देन इंटरसेल्युलर स्पेस भी बहुत ही कम है। ओके, तो ऑलमोस्ट यू कैन सी जीरो के बराबर होता है, लेकिन कुछ मसल्स में नेचुरली थोड़ा सा स्पेस रहता है सेल्स के बीच में। देन सेल्फ रिन्यूअल एबिलिटी, अगर कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम कनेक्टेड टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू, इट इज लेस। तो यहां पे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, एंड देन वैस्कुलैरिटी हैज अ वेरी रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड, तो मसल्स रिक्वायर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, और मसल बॉडी का वो पार्ट है जो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम यूज करता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन है उसके लिए अल्टीमेटली मसल्स को एक्चुअली एनर्जी खर्च करना है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी मसल्स आर प्रोवाइडेड विद लॉट्स ऑफ ब्लड सप्लाई। ओके, तो दे आर हाईली वैस्कुलर। नेक्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी, जो स्पेशल प्रॉपर्टी मसल्स का है वो क्या है वो देख लेते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी, तो कोई भी मसल टिश्यू लेंगे तो उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो है, बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको आ गया ऑप्शंस में, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, मेन प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट, तो शॉर्टन इन लेंथ, शॉर्टन इन लेंथ, लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाता है, और ये तब होता है जब द मसल रिसीव्स द स्टिमुलस। ओके, एक सिग्नल उसको मिलना चाहिए, एक इंपल्स मिलना चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, वो केमिकल सिग्नल हो सकता है, या बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कहते हैं। इसके लिए मसल्स को जब एक पर्टिकुलर से सिग्नल रिसीव होता है तो वो अपने लेंथ को शॉर्ट कर लेता है। यानी कि अगर ये देखिए, ये जो हमने लेंथ बताया, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मसल, और जैसे ही से इसको सिग्नल मिलेगा इट विल डिक्रीज इन इट्स लेंथ, या तो अगर वो स्पिंडल शेप है जैसे इसे सिग्नल मिलेगा तो इट विल डिक्रीज इन द लेंथ। ओके, टू स्ट्रिंग्स। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, द टू पार्ट्स व्हिच इज कनेक्टिंग विद द मसल, जैसे पार्ट ए मसल के एक एंड से जुड़ा है, पार्ट बी दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, उसी की वजह से मूवमेंट होता है। ओके, एंड हेंस, और तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी के साथ साथ नेचुरली सेकेंड पार्ट है रिलैक्सेशन, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही सिग्नल गायब होता है इट कम बैक्स टू द नॉर्मल यू कैन सी लेंथ, इसको रिलैक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन। तो शॉर्ट में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर रिसीविंग द स्टिमुलस या इंपल्स, और उसके बाद में वो रिलैक्स होते हैं। ओके, सो दिस अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन लीड्स टू मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। ओके, तो इसके लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं, और इसके लिए जरूरी है यू कैन सी व्हाट स्पेशल टाइप के मसल फिलामेंट्स, जिसको एक्टिन एंड मायोसिन कहते हैं। ओके, तो एक्टिन एज वी नो ऑलरेडी हमने सेल में पढ़ा है, तो सेल के अंदर नेचुरली देयर इज अ साइटोस्केलेटन, देयर आर यू कैन सी स्पेशल माइक्रो वेरी टाइनी ट्यूब्यूल्स एंड टाइनी फाइबर्स, यू कैन सी जिसको माइक्रो फिलामेंट्स कहते हैं, वो एक्टिन मॉलिक्यूल से बनता है। तो दिस मॉलिक्यूल आल्सो इज अ पार्ट ऑफ द मसल फाइबर, लेकिन साथ में स्पेशल यू कैन सी व्हाट फिलामेंट होता है जो खाली मसल में पाया जाता है, उसको कहते हैं मायोसिन। देखिए मायो वर्ड कहीं पे भी अगर आपको मायो वर्ड मिला, मतलब इट इज रिलेटेड टू वर्ड मसल। ओके, तो इसके लिए मसल की स्टडी को मायोलॉजी भी कहते हैं। तो मायोलॉजी इज द स्टडी, तो जब हम लोग खाली मसल्स को स्टडी करते हैं तो उसको मायोलॉजी कहते हैं। तो अगर आपका कोई भी वर्ड जो है उसमें मायो वर्ड एड है, इसका मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट, मस्कुलर लेयर या मस्कुलर टिश्यू। जैसे हार्ट का जो मिडल लेयर है उसको कहते हैं मायोकार्डियम, मायो मींस मसल, कार्डियम मतलब हार्ट, तो हार्ट का जो मस्कुलर लेयर है उसको हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। ओके, तो मसल्स के जितने भी टाइप्स है, ओके, उसको हम लोग लोकेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर तीनों एस्पेक्ट से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। और मजे की बात है जो क्लासिफिकेशन, अगर आप लोकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन करोगे तो फंक्शन और स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, इसका मतलब है अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से भी करोगे तो फंक्शन एंड लोकेशन विल बी आल्सो कोरेस्पोंडिंगली व्हाट, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, ईच अदर। ओके, तो दिस इज वेरी यूनिक। तो मसल को हम लोग लोकेशन, फंक्शन या स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी भी तरीके से अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो एक्चुअली तीन यू कैन सी टाइप के मसल्स ही आपको क्या है मिलेंगे। ओके, तो कैसे देखते हैं,
तो पहला मसल जो है वो है स्केलेटल मसल, दूसरा है विसरल मसल, तीसरा है आपका कार्डियक मसल। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया हमने, दिस इज बेस्ड ऑन द लोकेशन। तो यहां पे हमने ये क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन लोकेशन, मतलब वेयर दे आर प्रेजेंट। तो लोकेशन के हिसाब से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, तो तीन टाइप के बेसिक मसल्स है, स्केलेटल, विसरल एंड वॉल्ड कार्डियक मसल। तो क्यों कहते हैं स्केलेटन को स्केलेटन, विसरल को विसरल और कार्डियक को कार्डियक? तो वेरी इजी, अगर आपको वर्ड का मीनिंग मालूम है तो इट इज वेरी इजी टू यू कैन सी रिकॉल। जैसे कार्डियक का मतलब क्या होता है, कार्डियक इज रिलेटेड टू व्हाट, हार्ट, यानी कि दिस मसल इज फाउंड इन हार्ट। विसरल का मतलब होता है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। और आपका स्केलेटन का मतलब हो गया आपका व्हाट, बोन्स, ये बोन के साथ अटैच रहते हैं या एसोसिएटेड रहते हैं। ओके, तो वेरी सिंपल, और स्केलेटन इज द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द एनिमल बॉडी एज वी नो। चलो, तो स्केलेटल इसके लिए बिकॉज दे अटैच टू द बोन्स, जो भी बताया। विसरल इसके लिए बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन। तो विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ओके, तो विसरूणका। ओके, और आपका कार्डियक सिंपल में बिकॉज इट इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। तो ये स्पेशल है। ओके, ये स्पेशल मसल है जो खाली हार्ट में पाया जाता है। ओके, अदरवाइज अगर अमाउंट की बात करेंगे तो यू गॉट टू मेजर यू कैन सी टाइप ऑफ मसल इन द बॉडी, वो है स्केलेटन और व्हाट, विसरल। ओके, और कार्डियक मसल जो है उसमें एक्चुअली स्केलेटल और विसरल मसल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए, फिर अगर हम लोग फंक्शन के हिसाब से बात करेंगे, उसका नेचर के हिसाब से बात करेंगे, तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, वॉलंटरी वी नो दे, कोई भी कैसी एक्टिविटी जो हम लोग खुद अपने इच्छा से करते हैं, विल से करते हैं, वी कैन कंट्रोल इट्स एक्टिविटी बाय अवर थिंकिंग, तो उसको हम लोग वॉलंटरी कहते हैं, क्योंकि दिस मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल। विल का मतलब होता है हमारी खुद की इच्छा। ओके, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है अलोंग विद द सेरिबेलम, इन मसल्स को क्या है, कंट्रोल करता है। फिर विसरल मसल्स आर इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी मतलब दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, दे वर्क ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। सो दे आर जनरली कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड दे आर न्यूरोजेनिक। उसको जो सिग्नल मिलता है वो नर्वस सिस्टम से मिलता है। फिर कार्डियक इज इनवॉलंटरी, इट इज ऑल्सो नॉट अंडर अवर कंट्रोल, बट इट हैज ड्यूअल प्रॉपर्टी। तो कार्डियक मसल खुद को भी कंट्रोल करता है, यानी कि कार्डियक मसल में स्पेशल एक ग्रुप होता है, नोडल टिश्यू होता है, जो हार्ट को सिग्नल एक्चुअली प्रोवाइड करता है इनिशियली, साथ में उसका नर्वस कंट्रोल भी, स्पेशली ANS। ओके, तो इसके लिए कार्डियक मसल जो है इट हैज गॉट द ड्यूअल कंट्रोल। ओके, तो बेसिक कंट्रोल जो है वो मायोजेनिक रहता है, क्योंकि हार्ट, मायो मतलब मसल, तो हार्ट के कुछ स्पेशल एजेंसी वॉट टिश्यू हार्ट में लोकेटेड होते हैं, उसमें एक को पेस मेकर कहते हैं, दूसरे को पेस सेटर कहते हैं, ये आपको स्टडी करेंगे हम लोग, यू कैन सी इन डिटेल इन सर्कुलेशन टॉपिक। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका फंक्शन के हिसाब से। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो स्केलेटल मसल को अगर आप देखोगे, ओके, सिंगल फाइबर अगर आप स्केलेटल मसल का देखोगे, तो उसमें आपको अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड दिखेगा, तो इसको हम लोग स्ट्रेशंस कहते हैं या उसको स्ट्रिप्ट टाइप का मसल्स कहते हैं। तो यू विल फाइंड पैटर्न, ओके, रेगुलर पैटर्न आपको दिखेगा फाइबर में। ओके, यानी कि डार्क एरिया लाइट एरिया, डार्क एरिया लाइट, लाइट एरिया, इसको डार्क बैंड एंड लाइट बैंड भी कहते हैं। ओके, लेकिन तो लाइट एंड डार्क बैंड इज सेम। और विसरल मसल अगर देखेंगे तो दे विल नॉट शो, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ पैटर्न, क्योंकि अगर आप इस फाइबर को देखोगे तो उसमें आपको पैटर्न नहीं दिखेगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी द पैटर्न। इसके लिए उसको स्मूथ कहते हैं, स्मूथ मतलब यूनिफॉर्म, यहाँ पे स्मूथनेस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। ओके, बिकॉज बैंड्स आर नॉट सेम। और कार्डियक मसल, अब यहां से आपको समझेगा कि कार्डियक मसल में कौन सा प्रॉपर्टी स्केलेटल का है, कौन सा प्रॉपर्टी विसरल का है। ओके, तो कार्डियक, देखिए कार्डियक जो है फंक्शन के हिसाब से वो इनवॉलंटरी है, तो कार्डियक मसल जो है फंक्शन के हिसाब से वो विसरल है, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इज लाइक व्हाट, स्केलेटल। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से वो स्केलेटल है, मतलब उसमें भी आपको बैंड दिखेंगे, तो इट शोज द बैंड्स, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, वहां पे एक ऐसी दो जो फाइबर्स होते हैं उनमें एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहते, तो हम लोग डायग्राम से हम लोग चेक करेंगे।
तो दीज आर द मेन एकेसी। तो देखो तीनों टाइप से अगर हमने मसल्स को क्लासिफाई किया तो तीन ग्रुप ही बनते हैं, जैसे लोकेशन के हिसाब से स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक, फंक्शन के हिसाब से वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड वॉट। ये भी इनवॉलेंट्री है, इसका मतलब है अगर फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो दो टाइप बनते हैं, फिर एक वॉलेंट्री और दूसरा इनवॉलेंट्री, फिर इनवॉलेंट्री में दो टाइप हो गया, विसरल और कार्डियक। ओके, तो सिंस कार्डियक शोस सम प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटन, सम प्रॉपर्टी ऑफ विसरल, तो इट इज वेरी यूनिक। ओके, अब एडिशनल पॉइंट देखते हैं। तो स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल रहते हैं, जो अभी दिखा, एंड इट डू नॉट शो ब्रांचेस। विसरल मसल स्पिंडल शेप का है, तो यही शेप जो है इसको स्पिंडल शेप कहते हैं, बोर्ड शेप स्ट्रक्चर। एंड कार्डियक मसल इट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल बट इट शोज ब्रांचेस। तो ब्रांचेस स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो उसको आर्बोरेशन कहते हैं, आर्बोरेशन। आर्बोरेशन इज द ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और इस ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है कि कार्डियक मसल के जितने भी फाइबर है एक दूसरे के साथ वो अटैच हो जाते हैं, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसकी वजह से कैन सी दे बिकम मोर एकेसी व्हाट टफ। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल का, यहाँ पे जो सेल्स जिससे ये मसल्स बनते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स विच आर अरेंज इन वन लाइन, दे गेट फ्यूज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और एक कॉमन लंबा सेल बन जाता है। तो कॉमन लंबा सेल बनता है तो उसमें साइटोप्लाज्म कॉमन होता है, उसको कहते हैं सिन साइटियल, मतलब साइटोप्लाज्म कंबाइन हो जाता है। सिन का मतलब टुगेदर होता है और साइटियल मतलब विद साइटोप्लाज्म। तो उसकी वजह से अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, अगर 10 सेल मिलके एक कॉमन ट्यूब जैसा बन गया तो इस पूरे ट्यूब में 10 न्यूक्लियस मिलेंगे जो अब इस पूरे ट्यूब का कॉमन एकेंसी एलिमेंट बन जाएगा। तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सिन साइटियल। विसरल मसल्स दे आर सिंगल न्यूक्लिएटेड, तो एक आपका जो विसरल मसल है उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, और कार्डियक जो मसल है उसके सिंगल मसल सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है। ओके, तो दिस इज आल्सो द डिफरेंस। तो यहां पे इसके हिसाब से स्केलेटल मसल इज वेरी यूनिक, यहां पे सेल्स जो है दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कैन सी व्हाट सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको ही मायोफिब्रिल कहते हैं। ओके, ये टर्म याद रखिए। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल soon gets fatigued, तो they cannot actually work continuously। तो जितने भी voluntary actions हमारे होते हैं, हम लोग चलते रहते हैं तो continuously चल नहीं पाते, भागते रहते हैं continuously भागते नहीं, dance कर रहे हैं तो naturally after some time we feel tired। तो tired feeling इसके लिए आता है हमें, because these actions are controlled by the skeletal muscle। okay, तो fatigue मतलब tiredness या tired feeling। okay, एक कंडीशन जिसमें आपको लगता है कि आराम करना है, यू आर नॉट एबल टू वर्क अगेन, तो उसको फटीग कहते हैं। देन विसरल मसल डज नॉट गेट फटीग इजीली, और कार्डियक मसल तो कभी भी, देखिए दिल के अंदर का जो मसल है, जब हमारा कैसे इवन बर्थ के पहले से हमारा दिल धड़कने रहता है, 3 हफ्ते में ही हमारा कैसे दिल धड़कने रहता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अवर कैसे बॉडी इन साइड द मदर्स वॉम, तब से लेके डेथ तक ये कहें दिल धड़कता रहता है। तो दिल अगर रुक गया तो अल्टीमेटली सर्कुलेशन रुक जाता है एंड इट एक्चुअली स्टॉप्स द इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो कार्डियक जो मसल्स है दे नेवर गेट फटीग, तो अगर वो थक गया तो पर्सन जो है सीधा भगवान के पास चला जाएगा। ओके, देन तो स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो तीनों से कंपेयर करेंगे तो स्केलेटल मसल का बहुत रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, विसरल मसल में स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कार्डियक मसल में भी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर तो स्केलेटल मसल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दे आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट, इसको सार्कोमियर कहते हैं, इसे भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। ओके, तो व्हाट इज सार्कोमियर, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। देन विसरल मसल का स्पेशल प्रॉपर्टी है दिस शो सेल जंक्शन, तो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो जहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है वहां पे जंक्शन रहते हैं, और कार्डियक मसल में स्पेशल इंटरकनेक्टेड डिस्क रहते हैं, यानी कि दो मसल कार्डियक मसल, दिस इज वन मसल सेल, दिस इज सेकंड मसल सेल, तो जहां पे दो मसल सेल अटैच रहते हैं वहां पे एक स्पेशल डिस्क रहता है, इसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड। वो एकदम जिस तरह पर दोनों हाथों के फिंगर्स को आप इंटरलॉक करोगे तो उस तरह का एक बॉन्ड तैयार हो जाता है, तो दो सेल आपस में इस तरह बॉन्ड होते हैं कि दे शुड नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट ईच अदर, तो दैट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ व्हाट कार्डियक मसल। तो इस तरह इस सेशन में, इस स्लाइड में हमने
तीनों जो मसल्स हैं उसके हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिए। तो मैं आपको बोला डिफरेंशिएट जब आप करोगे कोई किसी भी एजेंसी एस्पेक्ट का, तो नेचुरली उससे पॉइंट आप सब एक साथ एजेंसी लर्न कर सकते हैं, ऑल द पॉइंट्स आर विजिबल एंड यू कैन एक्चुअली व्हाट आंसर द एमसीक्यू आल्सो वेरी इजीली। तो डिस्टिंग्विश आपको तैयार करना है, जितने भी एजेंसी कॉन्सेप्ट्स है उसमें अगर डिस्टिंग्विश बन सकता है, जैसे कनेक्टेड टिश्यू में यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन, इलास्टिन, यू कैन सी फाइब्रस एंड ऑसिफाइड, इसके बीच में क्लासिफिकेशन चार्ट तैयार कीजिए। ओके, कार्टिलेज और बोन के बीच में तैयार कीजिए, कार्टिलेज जो है और बोन में जो दो टाइप है, स्पॉन्जी बोन एंड आपका तो कॉम्पैक्ट बोन है, उसके बीच में आप क्या है डिस्टिंग्विश तैयार कीजिए। और व्हेन यू प्रिपेयर द डिस्टिंग्विश तो जितने पॉसिबल पॉइंट्स है सब यू कैन सी पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कीजिए, तो आपका नेचुरली क्या होगा एक आंसर भी तैयार हो जाएगा। बिकॉज डिस्टिंग्विश एजेंसी जब हम लोग तैयार करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक सिंगल कॉलम, जैसे दिस सिंगल फर्स्ट कॉलम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल, द सेकंड कॉलम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विसरल मसल, थर्ड कॉलम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल, एंड एवरी सेंटेंस एवरी जो पॉइंट है वो एक प्रोबेबल एमसीक्यू आपको आ सकता है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ मसल बेस्ड ऑन लोकेशन आपका तीन है, तो दिस इज द डायग्राम। तो स्केलेटल मसल्स ये सिंगल आपका एक सिंगल फाइबर है, मसल फाइबर, सिंगल मसल फाइबर जो एक बंडल से बनता है, और जिन फाइबर से मसल फाइबर बना, ओके, उन छोटे फाइबर्स को कहते हैं मसल फिब्रिल। ओके, यू कैन सी कि सिंगल अगर आपको दिख रहा है यहां पे तो सिंगल सिंगल यू कैन सी ये अगरबत्ती का पूरा, आप जब अगर आपने अगरबत्ती का एक बंडल ले लिया तो पूरा एक बंडल जो अगरबत्ती का है वो ये है, और अगर उसको आप लोग सिंगल सिंगल एकेंसी वाट अगरबत्ती निकालेंगे तो सिंगल अगरबत्ती हो गया मसल फिब्रिल। ओके, ये हो गया आपका स्केलेटल। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अल्टरनेट आपको डार्क लाइट बैंड दिख रहा है। ओके, और ये है न्यूक्लियस। जो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में देखिए स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर, लेकिन दे आर शोइंग क्रॉस ब्रिजेस, ये क्रॉस ब्रिजेस है जिसकी वजह से नेटवर्क जैसा बनता है और बीच में स्पेस भी क्रिएट हो गया है जिसमें ब्लड रहता है, तो दिस स्पेस कंटेन द ब्लड, इसको कहते हैं ब्लड साइनोसॉइड्स। ओके, सो दिस इज आल्सो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल। और अगर आप विसरल की बात करेंगे तो नीचे वाला जो मसल है विसरल मसल, यू कैन सी सिंगल मसल जो है इट इज आपका बोट शेप विद ए सिंगल न्यूक्लियस इन द सेंटर। ओके, तो ये सारे एक ऐसी स्पिंडल शेप मसल मिलके एक बंडल बन रहे हैं। ओके, या तो बंडल बनते हैं नहीं तो लेयर्स बनते हैं, तो दे कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट लेयर्स। चलिए अभी हर एक को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो पहले हमारा है स्केलेटल मसल, तो नाम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो स्केलेटल मसल द मसल विच आर प्रेजेंट इन द विच आर अटैच टू द बोन। ओके, तो ये आपका मसल है सिंगल मसल है तो किसी किसी बोन के साथ क्या रहेगा अटैच रहेगा, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। और उसकी वजह से ओके द बोन है द कॉरस्पॉन्डिंग बोन जो है जिसके साथ वो अटैच रहता है ओके वो मूव करता है। तो द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन द टॉपिक मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन इन मोर डिटेल। ओके, अभी हम लोग खाली मसल्स के जो बेसिक एकेंसी स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको देखने वाले। चलिए अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं। अगर आप एक स्केलेटल मसल लेते हैं, स्केलेटल मसल लेते हैं ओके, तो मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे ये है आपका बाइसेप। ओके, अभी शॉर्ट में लेते हैं तो ये है आपका बाइसेप मसल, बाइसेप आपको मालूम है ना, जोड़े दिखाते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे जो आपका मसल है वो है आपका बाइसेप मसल। तो बाइसेप इसके लिए कहते हैं बिकॉज इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू बंडल्स, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू बंडल्स। ओके, तो ये एक बंडल है और ये दूसरा बंडल है, सिंगल बंडल को कहते हैं फैशिया, तो फैशिया, तो देयर आर टू फैशिया, तो फैशिया उस स्ट्रक्चर को कहते हैं व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एनवेलप। ओके, तो किसी भी जैसे आप अगरबत्ती का पुड़ा लिया तो उसके बाहर से प्लास्टिक का कवर रहता है जो उस बंडल को क्या करता है पैक करता है, तो फैशिया हो गया। ओके, तो ये सिंगल फैशिया को अगर आप एकेंसी बढ़ा करके देखेंगे ओके कट करेंगे अंदर, ओके तो फैशिया को मैंने अगर कट किया तो अंदर फिर आपको दिखेंगे
एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, तो ये जो सिंगल एकेंसेस स्ट्रक्चर है वो है आपका मसल बंडल, वो आपका मसल बंडल है। फिर सिंगल मसल बंडल को इसको भी इनलार्ज करेंगे, इसको अगर मैंने इनलार्ज किया, इसको बड़ा करके दिखाया, तो अगेन इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्मॉल बंडल्स। स्मॉल बंडल्स को हम लोग कहेंगे मसल फाइबर्स। और सिंगल मसल फाइबर को भी जब इनलार्ज करेंगे तो उससे तैयार होगा आपका सबसे छोटा फाइबर, जिसको मसल फिब्रिल्स कहते हैं, मसल फिब्रिल्स। ओके, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मसल में क्या होता है कि मसल इज मेड अप ऑफ द एंटायर बंडल, जो बनता है पूरा मसल, उसको मसल फैशिया कहते हैं, मसल फैशिया। तो ऐसे लिख सकते हैं कि मसल जो है, ए सिंगल मसल इज मेड अप ऑफ मसल फैशिया, दिस इज मेड अप ऑफ मसल बंडल, मसल बंडल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, एंड मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मसल फिब्रिल्स, और इन मसल फिब्रिल्स के अंदर होता है मायोफिलामेंट्स, या प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं दो टाइप के, एक हो गया एक्टिन और दूसरा हो गया मायोसिन। और ये दोनों फिलामेंट इस तरह अरेंज होते हैं कि दे विल स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। दैट स्लाइडिंग प्रोसेस जो है हम लोग थोड़ा शॉर्ट में आज भी देखेंगे, और मूवमेंट एंड लोकोमोशन टॉपिक में उसको डिटेल में देखने वाले। ओके, तो दिस इज द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मसल, क्योंकि इसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। अभी एक सिंगल मसल को हम लोग देखते हैं, स्केलेटन मसल अगर देखेंगे तो सपोज एक सिंगल मसल फाइबर लिया मैंने, दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर, ऐसा देखेंगे तो एक सिंगल मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर फाइबर जिसको फिब्रिल कहते हैं। तो इसको हम लोग अगर बढ़ाते हैं, जैसे ये अगरबत्ती का पूड़ा है, उसका एक अगरबत्ती मैंने निकाल दिया, तो ये है आपका मसल फिब्रिल्स। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, तो सिंगल एकेंसेस स्केलेटल मसल का जो ये सिंगल आपका क्या है, सिंगल मसल फाइबर्स जो मसल सेल के यूनियन से बना है। ओके, तो यूनियन ऐसा होगा कि एक मसल सेल था, इसका न्यूक्लियस, ये दूसरा मसल सेल था उसका न्यूक्लियस, ये तीसरा मसल सेल था उसका न्यूक्लियस, ओके, चौथा मसल सेल था उसका न्यूक्लियस। ओके, तो होता यह है कि ये चारों, सपोज ये चार मसल सेल्स है, ये बीच का ये पार्टीशन है, ये डिसॉल्व हो जाता है। अगर पार्टीशन डिसॉल्व हो गया लाइक दिस, तो अभी आपको क्या दिखेगा, अभी आपको दिख रहा है एक सिंगल मसल, यू कैन सी व्हाट, इलॉन्गेटेड सेल लाइक दिस। ओके, और फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड पे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि बीच में जगह चाहिए, क्योंकि बीच में होते हैं थ्रेड्स। तो थिकर थ्रेड्स जो दिख रहा है अभी आपको, ये है आपका मायोसिन, यही आपका मायोसिन है, जो थिक थ्रेड्स दिख रहे हैं, और इन बिटवीन देम यू गॉट थिन फाइबर्स। तो मायोसिन इज द थिक फाइबर, और उनके बीच में होता है थिन फाइबर जिनको एक्टिन फाइबर्स कहते हैं। तो उसकी वजह से आपको देखिए इतना हिस्सा आपको कैसे दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। ओके, फिर इतना हिस्सा क्या दिख रहा है आपको, लाइट दिख रहा है, तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क दिख रहा है। ओके, और ये रेगुलर रहता है, तो रेगुलर मतलब जैसे ये अभी मसल फाइबर है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा ये सब साइड में रहेगा, दैट इज द पेरिफेरल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइड में हो गया है सारा। नॉट ओनली न्यूक्लियस, इवन माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होते हैं, तो मसल्स को एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी नेचुरली जो फाइबर है उसके साइड में पेरिफेरल लोकेशन में हो जाते हैं। तो दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज पेरिफेरल, पेरिफेरल। ओके, दूसरा ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया ये है आपका व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ तो बीच में अभी जो स्पेस क्रिएट हो गया है उस स्पेस में होते हैं आपके फाइबर्स। तो फाइबर्स कैसे, अभी जो मोटे फाइबर है उसको मैं ब्राउन से दिखा रहा हूं, तो दिस थिक फाइबर्स आर द मायोसिन,
associated with it are the thin fibers like this. Myosin fibers you have. उसके अंदर यू कैन सी व्हाट स्लाइड रहते हैं. तो इस तरह देखिए ये जो पैटर्न है ये आपको डिटेल में बाद में स्टडी करना है. इसमें ये हिस्सा जो दिख रहा है ये हिस्सा मतलब दिस मच पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन, ये कैसा दिख रहा है, दिस पोर्शन इज अपीयरिंग डार्क. तो इसको डार्क बैंड कहते हैं. तो डार्क बैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हेन इफ यू ट्राई टू पास द लाइट थ्रू दिस रीजन तो यहां से लाइट आसानी से पास नहीं होता है. बिकॉज यहां पे देखिए मोटे फाइबर मायोसिन भी है और एक्टिन फिलामेंट्स भी है. ओके, क्योंकि येलो वाले फाइबर पतले जो है दे आर एक्टिन. तो इस हिस्से में देखिए, इस हिस्से में क्या है आपके थिक एंड थिन फाइबर दोनों है, तो दैट्स व्हाई द लाइट कैन नॉट पास. लेकिन अगर ये हिस्सा देखेंगे, ये हिस्सा यहां पे खाली एक्टिन फाइबर्स है, लॉट्स ऑफ स्पेस इज देयर एंड दैट्स व्हाई लाइट कैन पास. तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड लाइट बैंड, उसको लाइट बैंड कहते हैं. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. तो ये हो गया आपका सिंगल मसल फाइबर. ओके, और दूसरे जो इसके साथ एडजेसेंट जो मसल फाइबर होगा वो भी यू कैन सी व्हाट, उसमें भी जो पैटर्न रहेगा सेम रहेगा. ये ऐसा है जैसे ये आपका एक सिंगल मसल फाइबर है. ओके, तो इसमें सपोज यहां ये हो गया आपका डार्क बैंड, फिर यहां पे दूसरा डार्क बैंड अल्टरनेट, फिर तीसरा डार्क बैंड, चौथा डार्क बैंड. इसके पैरेलल जो मसल फाइबर रहेगा उसमें भी जो लाइट और डार्क बैंड होगा दे विल बी अरेंज्ड इन द सेम लाइन. ओके, तो इसके लिए जितने भी यू कैन सी व्हाट मसल फाइबर अलाइन होते हैं उनका लाइट और डार्क बैंड क्या होता है, दे आर ऑल्सो अलाइंड इन द रेगुलर फैशन. इसके जब पूरा का पूरा मसल बंडल बन जाएगा तो उसमें अल्टरनेटली आपको यूनिफॉर्मली डार्क एंड व्हाट लाइट बैंड दिखता है. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द स्ट्राइशन. तो स्ट्राइशन मतलब अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड. तो इसके लिए कि डार्क रीजन, इसके लिए इसको डार्क कहते हैं. डार्क मतलब काला नहीं होता है, डार्क रीजन इसके लिए कहते हैं क्योंकि इस रीजन के थ्रू लाइट आसानी से पास नहीं होता है, लेकिन इस रीजन के थ्रू लाइट आसानी से पास होता है. ओके, तो दिस इज द यू कैन सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल. चलिए अभी हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट. तो स्ट्रक्चर कैसा है, तो दे आल्सो कॉल्ड स्ट्रिप स्केलेटल और वॉलंटरी मसल फाइबर. स्ट्रिप बिकॉज दे गॉट बैंड्स. देन दीज मसल फाइबर ऑकर इन बंडल एंड अटैच टू द बोन्स. देन ए शीट ऑफ टफ कनेक्टेड टिश्यू जिसको फैशिया कहते हैं, वो सारे बंडल्स को एक साथ पैक करता है. ओके, एंड ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं सार्कोलेमा. ओके, इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव लेयर, यानी कि अगर आप एक ऐसी स्केलेटल मसल को देखोगे तो उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेंसिटिव होता है. इसी पे नेचुरली जो नर्व सिग्नल है वो एक्ट करता है और उसकी वजह से मसल एक कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द मसल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, एंड ईच फाइबर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट एट इरेगुलर इंटरवल सो दैट ईच फाइबर इज व्हाट सिन साइकिल, जिसके बारे में पहले बताया. सिन मतलब टुगेदर. ओके, साइटियल मतलब कॉमन आपका व्हाट साइटोप्लाज्म. तो द साइटोप्लाज्म जिसको सार्कोप्लाज्म भी कहते हैं, सार्कोप्लाज्म बिकॉज स्केलेटन का बेसिक यूनिट जो है वो सार्कोमियर है, तो उसके अंदर का जो फ्लूड है उसको नेचुरली साइटो, जैसे सेल के फ्लूड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो यहां पे नेचुरली हम लोग जो बेसिक यूनिट है उसको सार्कोमियर कहते हैं. इसके लिए अंदर जो कंटेंट होगा उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं. उसमें लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल रहते हैं व्हिच आर टाइटली पैक्ड एंड ईच मायोफिब्रिल प्रेस द लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेटिंग विद ईच अदर, वो भी देखा हमने. एंड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल वो है आपका देयरफॉर सार्कोमियर कहते हैं. क्या कहते हैं, सार्कोमियर. तो सार्कोमियर को हम लोग टच करेंगे बाद में. ओके, अभी मैंने शॉर्ट में बताया था तो उसको हम लोग डिटेल में फिर से देखेंगे. चलिए अभी सिंगल मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर क्या है. अगर सिंगल मायोफिब्रिल को पहले मैं यहां पे दिखा देता हूं, तो सिंगल मायोफिब्रिल है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं. ये आपका सिंगल मायोफिब्रिल है. ओके, इस मायोफिब्रिल में जैसे मैंने बताया देयर आर अरेंजमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ व्हाट फिलामेंट्स. तो कौन कौन से, तो पहले याद रखिए, तो ये है आपका एक ऐसे थिक फिलामेंट, फिर गैप के बाद फिर से थिक फिलामेंट आपको दिखेगा,
तो दीज आर द थिक फिलामेंट्स। इस थिक फिलामेंट को हम लोग कहते हैं मायोसिन, मायोसिन कहते हैं। पूरा ध्यान दीजिए नाउ, तो एसोसिएटेड विद द मायोसिन आर द थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट कैसे आ रहा है इसको होता है, तो मायोसिन के बीच में जो गैप है इसी गैप में थिन फिलामेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो यह है आपका थिन एक्टिन फिलामेंट्स। ओके, अभी उसके हिसाब से अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको क्या लगेगा, देखो अगर लाइट फोकस करते हैं हम लोग तो इस हिस्से से देखें, ये जो हिस्सा है जिस हिस्से में मायोसिन है वहां से लाइट आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पे लाइट आसानी से जाता है। ओके, लेकिन अगर आप इसको माइन्यूटली चेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक मिनट, तो इसका मतलब है अगर हम लोग बैंड के हिसाब से दिखाएंगे तो ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा, दिस इज कॉल्ड आपका डार्क बैंड, और उसके साथ में है आपका व्हाट, लाइट बैंड, दिस इज द लाइट बैंड। तो लाइट बैंड एंड डार्क बैंड इसके लिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पैसेज ऑफ द लाइट। ओके, डार्क बैंड जो है, डार्क बैंड इसको एन आइसो, तो डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक बैंड, इसको ए बैंड भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ए बैंड। तो वाई ए बैंड, पहले लाइट बैंड को फिर क्या कहते हैं, लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड या उसको आई बैंड कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड आई बैंड। ओके, उसका कारण है चेक, तो डार्क बैंड है डार्क बैंड। ओके, इसको अभी अब हम लोग आउटलाइन दिखा देते हैं, दिस डार्क बैंड, जो डार्क बैंड है इसमें दोनों टाइप के फाइबर्स है, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, इसके लिए इसको कहते हैं नॉट आइसो, एन का मतलब होता है नॉट आइसो। ओके, और इसका जो एक इनसे लेंथ है वो कम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग। ओके, लेकिन देखो ये लाइट बैंड में जो आपको फाइबर दिख रही है सब एक जैसे, तो आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम। तो लाइट बैंड हैज ओनली, यू कैन सी, तो लाइट बैंड जो है इट हैज ओनली एक्टिन, लेकिन डार्क बैंड जो दिख रहा है आपको इट हैज बोथ एक्टिन एंड व्हाट, मायोसिन। तो इसमें दोनों टाइप के फिलामेंट है, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, तो इसके लिए उसको डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं और लाइट बैंड को क्या है आपका, आई बैंड कहते हैं। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अभी हम लोग जो बोला कि द बेसिक यूनिट ऑफ मसल फाइबर क्या है, वो है सार्कोमियर। तो वो सार्कोमियर कैसी, कौन सा पार्ट है, क्योंकि कोई भी बेसिक यूनिट मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर कैसी व्हाट कंसेप्ट। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, दिस आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इट इज इलेक्ट्रिकली कैन सी सेंसिटिव मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं सार्कोलेमा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज सार्कोमियर, व्हिच इज द बेसिक यूनिट, वो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट है। ओके, और मसल का ये सबसे बोल सकते हैं, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा पार्ट जो मसल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हो गया आपका सार्कोमियर। तो सार्कोमियर का कैसे डिफाइन करते हैं, अभी ध्यान से फिर से मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। अगर इस फाइबर को हम लोग एकदम लोअर रेजोल्यूशन में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये डार्क बैंड ऐसा, फिर लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, लाइक दिस। ओके, सिंगल फाइबर को देखेंगे। ओके, ये तो इनलार्ज करके दिखाया हमने। ओके, जिसमें फाइबर्स दिख रहे, फिलामेंट्स दिख रहे आपके एक्टिन एंड मायोसिन। तो अगर मैं इसको माइन्यूट एकेंसी स्ट्रक्चर में देखूंगा तो अब आपको क्या दिख रहा है, तो ये आपका है डार्क बैंड, ये है आपका व्हाट, लाइट बैंड। तो अल्टरनेट डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड दिखेगा। लेकिन अगर डार्क बैंड को आप ध्यान से देखेंगे
तो डार्क बैंड के बीच में एक लाइट लाइन दिखेगा लाइक दिस लाइट लाइन, और जो लाइट बैंड है उसके बीच में आपको एक डार्क लाइन दिखेगा लाइक दिस। ओके, इसका भी वो क्यों, देखिए अभी ध्यान से देखिए, ये आपका डार्क बैंड है, तो डार्क बैंड में ये बीच वाला जो जोन दिख रहा है, ये बीच वाला जोन, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ओके, यहां पे खाली मायोसिन फिलामेंट है, तो दैट विल अपीयर लाइटर, ओके, तो वो इधर दिखा सकते हैं, तो बीच का जो ये जोन है, तो डार्क बैंड के बीच वाला जो जोन है इसको कहते हैं एच जोन, और जो लाइट आपका यू कैन सी व्हाट लाइट बैंड है, तो लाइट बैंड के बीच में देखो जंक्शन है, वहां पे एक zigzag लाइन होता है, इस zigzag लाइन को कहते हैं जेड लाइन, उसके हिसाब से तो यहां पे है पहला zigzag लाइन जिसको जेड लाइन कहते हैं। ओके, तो लाइट जो आपका बैंड है उसके बीच में डार्क लाइन रहता है जिसको कहते हैं लाइट बैंड, तो फिर दूसरा आपका यहां पे होगा, तो ये हो गया नेक्स्ट जेड बैंड, ये जेड लाइन, और ये हो गया आपका नेक्स्ट जेड बैंड या जेड लाइन। तो सार्कोमियर जो है इट इज द पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन, तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है इसी पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। अगर इसको इनलार्ज करेंगे तो एक जेड लाइन लेफ्ट साइड का दिखाएंगे उसको जेड, इसके लिए कहते हैं बहुत सारे नाम है उसका, वो zigzag लाइन है। तो होता क्या है कि ये जो Z लाइन है, Z लाइन, तो दोनों Z लाइन जो है वो प्लेट्स जैसा होता है, वहां से अराइज होता है आपका व्हाट थिन फिलामेंट्स, ये थिन फिलामेंट्स अराइज हुए दोनों साइड से लाइक मिडल, तो बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में आपका थिक लाइंस रहते हैं लाइक दिस। तो ये जो थिक लाइन है जो दिखाया ये है आपका मायोसिन, और जो येलो आपको लाइन दिख रहा है दिस इज द एक्टिन। तो इस जोन में क्या दिख रहा है आपको कि मायोसिन एंड एक्टिन आर यू कैन सी व्हाट रिलेटेड टू ईच अदर, ओके, दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, यहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस जैसे रहते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या है ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो होता क्या है कि जब मसल इस हिस्से को, क्योंकि देखो ये जो आउटर सरफेस है ये है आपका इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव सार्कोलेमा, तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, ओके, या नर्व सिग्नल मिलता है या इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स मिलता है, तो होता क्या है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो मायोसिन के अंदर क्या है स्लाइड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो लेंथ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो लेंथ हो जाएगा छोटा, तो लेंथ बिकम शॉर्टर, और जैसे लेंथ छोटा होता है द मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मसल क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अगेन इन डिटेल, यू कैन से ज्यादा डिटेल में उसको स्ट्रक्चर को बड़ा करके हम लोग देखेंगे। ओके, देयर आर मेनी एलिमेंट्स व्हिच आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन दिस स्लाइडिंग, तो इसको स्लाइडिंग थ्योरी कहते हैं, डिटेल में हम लोग किसी मूवमेंट या लोकोमोशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली खाली जो कंपोनेंट है उसको आपको स्टडी करना है, ठीक है, हम लोग बाद में एक ऐसी पिक्चर भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो जो पॉइंट देख लीजिए, देखो तो मैं यू कैन सी आज जितने भी आपके पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं दिस इज फॉर यू कैन सी रेफरेंस, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉइंट्स को कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, एंड यू कैन सी यूज इट टू मेक योर ओन यू कैन सी व्हाट पॉइंट्स। चलो, तो डार्क बैंड ऑफ द माइक्रोवेव उसको ए बैंड कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड अनिसो बोल सकते हैं, ओके, और हर ए बैंड के अंदर एक लाइट जोन होता है उसको एच जोन कहते हैं, एच का मतलब होता है हैंसन्स मेम्ब्रेन इन द मिडल, फिर लाइट बैंड जो होता है उसको आई बैंड कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, और हर आई बैंड के बीच में डार्क लाइन होता है उसको जेड डिस्क कहते हैं, क्या बताया है? क्रोसेस मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके, तो क्रोसेस मेम्ब्रेन को डोबी लाइन भी कहते हैं, देखो ये नीट लेवल से नेचुरली आपको पूछा जा सकता है, ओके, देन जूस चेंचिप लाइन भी कहते हैं, देन द पोर्शन बिटवीन टू डिस्क, दो डिस्क कौन, बिटवीन द टू जेड लाइन, तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है वही आपका सार्कोमियर, फिर वेयर इज दिस स्केलेटल मसल लोकेटेड, ओके,
सो स्ट्रेटन मसल जो है जितने भी आपके मसल्स हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, ओके बोन्स, वो आपके स्केलेटल मसल है। लेंथ बोन हो गया, टंग हो गया, फारिंक्स हो गया। हाँ, यहाँ पे टंग जो है, टंग इज एक्चुअली अटैच्ड टू ए, यू कैन से फ्री बोन हियर, जिसको हायर्ड बोन कहते हैं, ओके। तो फारिंक्स बिगनिंग ऑफ द ईसोफेगस, ओके, क्योंकि ईसोफेगस का जो इनिशियल पार्ट होता है वो आपका स्केलेटल मसल से, और फंक्शन काम क्या है, इट इज द मसल विच इज परफॉर्मिंग ऑल द वॉलेंटरी, जितने भी वॉलेंटरी आपके मूवमेंट्स है या एक्शंस है वो सब स्केलेटल मसल की वजह से। तो व्हेन वी मूव अवर बॉडी, ओके, हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाते हैं विद आवर ओन विल, विद आवर थिंकिंग, का मतलब है स्केलेटल मसल आर इन एक्शन। चलिए, अभी विसरल मसल आर दोज मसल, इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स में होता है, ओके, एंड दे आर नॉट अंडर कंट्रोल, तो दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ द ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सिंगल विसरल जो मसल, इट इज मेड अप ऑफ द बोर्ड शेप, यू कैन सी मसल हैविंग ए सेंट्रल न्यूक्लियस, और अंदर फाइबर्स होते हैं, बट दे आर नॉट पैटर्न, उनमें स्ट्राइशंस नहीं होता है, ओके। सो द न्यूक्लियस इज सेंट्रल, इट इज ओवल इन शेप, एंड द टू एंड्स आर पॉइंटेड। चलिए अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। अनस्ट्रेटेन मसल फाइबर जो है उसको स्मूथ, इनवॉलंटरी, अनस्ट्रिप्ड और विसरल मसल कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको एक ऐसे याद रखने पड़ेगा। देन तो ईच फाइबर इज इलोंगेटेड स्पिंडल शेप हैविंग सिंगल ओवल न्यूक्लियस व्हिच इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। तो अंदर क्या है आपका साइटोप्लाज्म, एंड देयर इज नो स्ट्राइशंस, स्ट्राइशंस नहीं है, मतलब अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है। एंड ईच मसल फाइबर पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स या मायोफिब्रिल्स which are arranged, then the form, मतलब bundle जो बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे सारे cell से मिलके बनता है, यानी कि अभी मैं बना रहा हूँ, ये एक muscle, फिर दूसरा muscle cell, तीसरा muscle cell, चौथा, पांचवा, तो इनके arrangement से आपको फिर बन जाता है muscle fibers like this, तो ये आपका पूरा एक single muscle fibers बन गया, and there is no sarcolemma, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। तो स्केलेटल मसल में यू गॉट सार्कोमियर यूनिट्स, यहाँ पे सार्कोमियर यूनिट्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सार्कोलेमा इज नॉट डिफाइंड। एंड सेवरल मसल फाइबर जो है जो जॉइंट टुगेदर और उसे एक बंडल बनता है, तो ये पूरा यू कैन सी फाइबर इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे आर मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू व्हाट स्ट्रेटेड मसल या आपका स्केलेटल मसल। And cell junctions से ये cells आपस में connected रहते हैं, तो cell जहाँ जहाँ पे contact में है वहाँ पे क्या है cell junctions होता है, okay? तो उसे communication भी होता है between the cells and also they are kept in position. चलिए भी location, naturally they are present in the internal organs, और इन्हीं internal organs को visceral organs कहते हैं, okay? जैसे आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनोड, जेनाइटल ट्रैक, मतलब यूरिनरी ट्रैक, यूरेटर, ओके, आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जेनाइटल हो गया आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जिसमें यूट्रस आता है, यूटेरस आएगा, ओके, वजाइना आएगा, ओविडक्ट आएगा, ओके, देन सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, दे आर मस्कुलर बिकॉज ऑफ द विसरल मसल, iris of the eye, dermis of the skin, तो बाल जो आपके यू कैन सी रेज होते हैं, ओके, व्हेन वी फियर और जब ठंडी लगती है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मसल्स। फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, नाउ चेक दिस पॉइंट, ईसोफेगस का जो एंटीरियर स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ईसोफेगस, ईसोफेगस का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट में स्केलेटल मसल होता है और पोस्टीरियर पार्ट में क्या है विसरल मसल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नी, ओके, तो ये आप ध्यान में रखो, ओके। तो ईसोफेगस का इनिशियल पार्ट जो है स्केलेटल और बाकी का जो पार्ट है वो विसरल होता है, यानी कि अपर रीजन, अगर पोजीशन के साथ अपर पार्ट जो है वो स्केलेटल, लोअर पार्ट इज व्हाट विसरल, और वही जो मैं बोला जो हेयर को एंटीरियर रेज करता है वो मसल भी क्या होता है आपका विसरल मसल होता है। फंक्शन से तो ये मसल फाइबर जनरली इस तरह वर्क करते हैं कि उससे प्रोपल्शन मूवमेंट होता है, यानी कि जो ट्यूब सिस्टम, जनरली ट्यूब सिस्टम में जैसे ही
यू कैन सी फूड आएगा या कोई कंटेंट आपको मूव करना है तो वॉल श्रिंक्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो इसी से एक पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है. ओके, इट कॉज अ स्लो एंड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन विच इज इनवॉलंटरी एंड नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द बिम एंड दे आर देयरफॉर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द विसरल मसल इज द पेरिस्टाल्टिक, क्योंकि ज्यादा करके ट्यूब सिस्टम आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब आपका यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम उसमें नेचुरली प्रोपल्शन होता है, उसके अंदर जो भी कंटेंट हो तो उसको आगे की तरफ मूव करना है एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए वेव लाइक एकेंसी कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके वजह से जो कंटेंट यहाँ पे है ये आगे की तरफ आपका प्रपोज होता है. अपने एकेंसी जो फूड हम लोग खाते हैं ईसोपैगेरिया फूड यहाँ पे अगर है उसको नीचे करने के लिए इतना हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो नीचे जाएगा, फिर इतना हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा नीचे जाएगा. तो इस तरह जब आप डायग्राम आपने देखा था, एक मिनट यहाँ भी दिखाता हूँ, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे जो फूड है तो यहाँ पे जो फूड है ओके उसको फिर नीचे की तरफ है पुश कर देते हैं. तो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दिस फूड गेट पुश्ड हियर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड गेट पुश्ड हियर. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं. तो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन जो एक ट्यूब सिस्टम या एक हॉलो ऑर्गन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट में क्या है वो मूव करता है. चलिए लास्ट है कार्डियक मसल. तो कार्डियक मसल दिखने में आपका स्केलेटल मसल जैसा है, तो ये सिंगल कार्डियक मसल का जो फाइबर कैसे दिखेगा, दिस इज वन सेल सिलेंड्रिकल सेल, फिर आपका ये दूसरा सिलेंड्रिकल सेल, फिर तीसरा सिलेंड्रिकल सेल, इसमें न्यूक्लियस जो होता है एक ही होता है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस, ये एक फाइबर हो गया. इसी के पैरेलल फिर दूसरा फाइबर बनेगा लाइक दिस. But important thing is that these fibers जो बने they are interconnected with cross bridges. और फिर सबसे important कि अंदर आपको striations दिखते हैं, you can see the striations. This is one fiber, this is second fiber. They are interconnected by cross bridges. तो उसके वजह से एक network जैसा structure बनता है. And the entire, all the fibers, they are hold together. Okay? तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है आपको what? Bands. This is the bands. ये आपको cross bridges है. Then बीच में जो space create हो गया है, इसमें blood रहता है, जिसको कहते हैं blood. साइनुसॉइड्स, मतलब यहां पे इसके हिसाब से ये पेरिफेरल सो द न्यूक्लियस जो है आपका इन केस ऑफ कार्डियक मसल इज पेरिफेरल जस्ट लाइक द स्केलेटल मसल की तरह वो पेरिफेरल रीजन में रहता है. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट इज द सेल्स, दे आर इंटरकनेक्टेड विद अपर क्रॉस ब्रिजेस. और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, द टू सेल जहां पे इंटरकनेक्ट रहते हैं वहां पे डिस्क जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म रहता है, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म लाइक दिस. तो ये इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म ऐसे ही है जैसे दो फिंगर्स, दो हाथों के फिंगर आपने लॉक किया, और इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. और इसकी वजह से क्या होता है कि एक मसल सेल को अगर सिग्नल मिलता है वो रैपिडली आजू बाजू के जितने भी मसल सेल्स हैं उनको एक साथ क्या है सिग्नल मिल जाता है. दैट्स द एफिशिएंसी ऑफ द कार्डियक मसल इज मोर एज कंपेयर टू द स्केलेटल मसल. ओके, और इसके लिए वो फटीग भी नहीं होते. ओके, चलिए पॉइंट देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से. सो देयर शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्ट्रिप मसल, मतलब स्ट्रेटेड मसल, और साथ में अनस्ट्रिप मतलब स्मूथ मसल, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है. एंड दे शो सम पिकुलैरिटी ऑफ देयर ओन, खुद के भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है. तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स. तो स्ट्रेटेड मसल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है बिल्कुल पता है, दे आर सिलेंड्रिकल, हाईली वैस्कुलराइज, हैविंग मोर माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, क्योंकि एनर्जी चाहिए. ओके,
और साथ में दे गॉट लाइट एंड डार्क बैंड, तो लाइट एंड डार्क बैंड आपको दिख रहा है, ओके? तो सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से एकदम स्ट्रेटेन मसल की तरह है, और स्मूथ मसल का जो प्रॉपर्टी है दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस है, साथ में इनवॉलंटरी है एंड दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहां पे भी सार्कोलेमा नहीं है, ओके? तो स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो है, तो कार्डियक मसल जो है दे आर जॉइंट टू ईच अदर विद हेल्प ऑफ फ्लैट zigzag junction, जिसको कहते हैं intercalated disc या उसको booster ring कहते हैं, और cardiac muscle को जो है nervous system के साथ साथ you can see central nervous system के साथ autonomous nervous system की भी you can see supply मिलता है, साथ में it is myogenic, तो आपको मैंने एक point बताया था myogenic, heart खुद अपने लिए क्या है signal generate करता है, so this muscle never get fatigued and blood capillary जो है cardiac muscles के अंदर तक जाते हैं, इसके लिए वो स्पेस जो मैंने आपको बताई है स्पेसेस दे आर फिल्ड विद ब्लड, तो दे आर गॉट ब्लड साइनुसॉइड्स, ओके? नेक्स्ट दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इवन व्हेन दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी टेंपरेरली, तो अगर आप मसल सेल को बॉडी से बाहर करोगे तब भी दे विल कीप ऑन व्हाट यू कैन सी शोइंग मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा, ओके? बिकॉज़ ऑफ मायोजेनेसिटी एंड दे शो लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि रिलैक्स होने में वो टाइम लेते हैं, ओके? And where they are found only in the wall of heart, in the layer called myocardium. And they are very richly supplied with what? Blood. So, abhi basic structure, aapka striated muscles ka, okay? So, this is the note. Dekhi. So, ye hai aapka sarcolemma. So, phir se ek baar revise kar lete hain. Log, you can see fiber ko abhi vertical dikhate hain. This is the outer layer of the striated muscle fibril, okay? अंदर जो कंटेंट है वो है आपका सार्कोप्लाज्म, न्यूक्लियस देखो पेरिफेरल साइड में हो गया, ओके? ये भी पेरिफेरल साइड में चले जाता है, और इधर ही आपका माइटोकॉन्ड्रियास भी रहेगा, दीज आर माइटोकॉन्ड्रियास, माइटो तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर आल्सो यू कैन सी व्हाट पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाकी सेल के कंपोनेंट्स भी पेरिफेरल साइड पे आ जाते हैं, फिर आपको दिखेगा डार्क बैंड्स, तो ये डार्क बैंड जो है यहाँ पे आपके दोनों टाइप के फाइबर होते हैं, तो दिस इज अ डार्क बैंड, तो ये दूसरा डार्क बैंड हो गया, ये तीसरा डार्क बैंड हो गया, फिर दोनों डार्क बैंड के बीच में आपको दिखेगा लाइट बैंड, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डार्क बैंड के बीच में आपको दिखेगा लाइट लाइन, जिसको एच लाइन या हेंसन्स लाइन कहते हैं, और लाइट बैंड के बीच में आपको डार्क लाइन दिखेगा जिसको कहते हैं जेड लाइन, और यही दो जेड लाइन जो है इस यूनिट को हम लोग कहते हैं सार्कोमियर, इसी को सार्कोमियर कहते हैं, ओके? सो दिस इज व्हाट वी हैव, यू कैन सी आई हैव शोन यू इन द अर्लियर, यू कैन सी स्लाइड, सो अब देखिए ये है आपका, अगर आप यू कैन सी मसल फाइबर को इनलार्ज करेंगे तो ये है आपका एक जेड लाइन और ये है दूसरा जेड लाइन, ओके? और जेड लाइन से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, थिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट ऐसे है लाइक दिस, और दोनों के बीच में होता है डार्क, सॉरी एक मिनट आई विल रीड्रॉ, तो ये है आपका जेड लाइन, ओके? दो जेड लाइन एंड फ्रॉम जेड लाइन थिन फिलामेंट्स आर अराइजिंग, ये थिन फिलामेंट्स है लाइक दिस, ओके? और थिन फिलामेंट जो है दे आर एसोसिएटेड विद द थिक फिलामेंट्स, तो इसलिए जहां पे थिक फिलामेंट वाला हिस्सा है देखिए वो डार्क दिखेगा, और दिख रहा है आपको डार्क क्योंकि यहां से लाइट पैसेज बहुत ही कम रहेगा, तो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर जो नीचे भी दिखा है, ओके? अभी तो ये जो सेगमेंट आपका है ये सेगमेंट दिस इज द डार्क बैंड और ये सेगमेंट जो है ये आपका लाइट सेगमेंट है, तो ये डार्क सेगमेंट है ये लाइट सेगमेंट है, ओके? तो इसके लिए तो पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन जो है दो जेड लाइन के बीच का पोर्शन है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फाइबर जो होगा श्रिंक होता है, तो ऐसे जितने भी सार्कोमियर है दे ऑल श्रिंक्स, उसके भी जैसे पूरा मसल बंडल क्या होता है श्रिंक होता है, ओके? This is the notes. So this is the note you can actually what take down. तो फिर से आपके लिए एक revision जैसा है.
ओके, ईच सरकोमेयर हैज ए डार्क बैंड जिसको ए बैंड कहते हैं और ए बैंड के सेंटर में एच जोन रहता है, दीज आर द कीवर्ड्स। ओके, तो ए बैंड को एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। फिर तो एच जोन के सेंटर में आपको मिड में आपको एम लाइन दिखेगा, तो ये दिख रहा है, देखो ये है आपका एच जोन और उसके बीच में आपको दिख रहा है ये एम लाइन। ओके, देन तो ए बैंड में मायोसिन और एक्टिन दोनों होते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन ऑन आइदर साइड ऑफ द ए बैंड देयर आर लाइट बैंड, तो देखो अगर ये पूरा आपका लाइट बैंड है तो उसका ये 50% हिस्सा, ये 50% है, ये 50% है। ओके, तो दोनों के बीच में आपका ये जेड लाइन दिखेगा। ओके, तो एक लाइट बैंड जो है उसका एक हिस्सा एक सार्कोमियर को होता है और दूसरा हिस्सा बाजू वाले सार्कोमियर का रहता है। देन मायोसिन जो है वो थिक है और डार्क कलर्ड है। ओके, और एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन एंड लाइट कलर्ड। देन एडजेसेंट लाइट बैंड आर सेपरेटेड बाय व्हाट, जेड, जेड का मतलब है डिस्टेंस बी लाइन और क्रॉसिंग लाइन। ओके, तो डोंट यू कैन सी जिगजैग लाइन नहीं बोल, मतलब बोलते हैं जिगजैग लाइन है लेकिन नाम जो है वो है इस पे पड़ा है। The light and dark bands of the neighboring myofibril correspond with what? Each other. Okay? इस तरह myofibril में alternate आपका dark और light band, और which can see band is common for two sarcomere? जो light band है, it is common. अभी इसको अगर मैं इस side से दिखाऊंगा, okay? तो यहाँ पे फिर से आपका क्या है? ये आपका dark band बन जाएगा, okay? तो ये आपका thin filament like this, और उसके अंदर आपका क्या है? Thick filament होगा, thin और thick. स्टूडेंट्स, इसके लिए जो आपका लाइट बैंड है उसका 50% जो पोर्शन है वो एक सार्कोमियर होता है और दूसरा 50% बाजू वाले एक ऐसे सार्कोमियर का होता है। ओके, लास्ट, हेंस द मसल गेट्स द अपीयरेंस कॉल्ड व्हाट, स्ट्राइटेड अपीयरेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द नोट, यू कैन राइट इन दिस सेम पॉइंट वाइज मैनर अगर आपको क्वेश्चन आ गया। ओके, तो हम लोग यू कैन सी ये जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, इन मोमेंट एंड लोकेशन, फिर से बोल रहा हूं मैं। So with this we have completed the muscular tissue. Okay. चलो, after completing the muscular tissue, अब बारी है nervous tissue को study करने की, जो तैयार हो जाइए। चलिए, तो nervous tissue कौन सा tissue है? ये वो tissue है जिसका main काम है control and coordination. तो दोनों word you can see similar है लेकिन दोनों में फर्क है। control मतलब किसी एक activity को जब लोग regulate करते हैं उसको कहते हैं control, और coordination मतलब एक से ज्यादा activity को जब लोग harmonious form में okay मिल के you can see control करते हैं तो उसको coordination कहते हैं। okay, तो origin, अभी characteristic directly characteristic की बात करते हैं। origin, तो nervous tissue का origin जो है वो ectoderm से होता है। यानी कि द आउटर जो लेयर सबसे पहले बनता है उससे बनता है। देन यू कैन सी कंपोजिशन इज मेड अप ऑफ न्यूरल सेल्स, तो ऑल द सेल्स व्हिच आर फॉर्मिंग द नर्वस टिश्यू उसको न्यूरल सेल्स कहते हैं। नर्वस टिश्यू को न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं, तो एक और वर्ड है दैट इज न्यूरल टिश्यू, और साथ में इन सेल्स से निकलते प्रोसेस और उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ओके, जैसे माइलिन शीथ हो गया, CSF हो गया, तो अलग अलग कंपोनेंट्स जो है नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट में उनमें से कुछ कंपोनेंट जो है वो नर्वस सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। देन सेल का अरेंजमेंट यहाँ पे है, या तो ग्रुप में रहते हैं दैट इज कॉल्ड क्लस्टर, या नेटवर्क जैसा इंटरकनेक्शन बनता है और फाइबर्स क्रिएट होते हैं। देन सेल का शेप जनरली मोस्ट ऑफ द कैन सी न्यूरल सेल्स आर स्टार लाइक, उसको कहते हैं स्टेलेट, एंड सम आर ओवल एंड स्फेरिकल आल्सो। नाउ मैट्रिक्स इज एब्सेंट, मैट्रिक्स इज एब्सेंट, जस्ट लाइक मसल में भी मैट्रिक्स नहीं होता है, नर्वस टिश्यू में भी मैट्रिक्स नहीं होता है। देन इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बट इट इज लेस अमाउंट। ओके, देन सेल का रिन्यूएबल इज वेरी लेस, यानी कि अगर चारों टिश्यूज को कंपेयर करेंगे तो नर्वस टिश्यू जो है एक बार अगर डिस्टर्ब हो गए तो जनरली दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड। ओके, बट दैट्स व्हाई एजिंग प्रोसेस जो है वो जनरली नर्वस टिश्यू के डीजनरेशन की वजह से होता है। फिर वैस्कुलरिटी, इट इज नॉन वैस्कुलर, नर्वस टिश्यू के थ्रू जनरली यू कैन सी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो इसको सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्ट चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई जहां जहां पे यू कैन सी आपको ब्लड सप्लाई चाहिए तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू का एसोसिएशन जरूरी हो जाता है। स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं कि द सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नर्वस टिश्यू का है कि दे आर एबल टू गेट एक्साइटेड एंड दे कंडक्ट द यू कैन सी इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। तो एक्साइटेबिलिटी बिकॉज दे have to first sense, वो sense करते हैं किसको, changes को, they sense the changes,
और इन चेंजेस को हम लोग कहते हैं इंपल्स, सॉरी उसको स्टिम्यूलस कहते हैं, सॉरी स्टिम्यूलस, रिमेंबर दिस वर्ड, उसको स्टिम्यूलस कहते हैं, ओके। और जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन, जिसको इंपल्स कहते हैं। तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल को नेचुरली कॉरेस्पॉन्डिंग नर्व सेंटर जहां पे एनालिसिस होगा वहां पे भेजा जाता है, ओके, और इन द फॉर्म ऑफ ए सिग्नल जिसको इंपल्स कहते हैं। एंड द सेल्स ऑन नर्वस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलस, वही मैंने बात बताया, एंड देन ट्रांसमिटिंग द मैसेज, उसको कहते हैं इंपल्स, ओके। तो ये हो गया फंडामेंटल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द नर्वस टिश्यू। चलिए नेक्स्ट, कंपोजिशन। नर्वस टिश्यू का कंपोजिशन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, ओके। तो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ, एक्चुअली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूरल सेल्स, दो टाइप के न्यूरल सेल्स से मिलके बनता है। तो पहला है न्यूरॉन, जो फंडामेंटल टाइप है, क्योंकि न्यूरॉन का ही मेन काम दो है, सेंस करना और मैसेज को ट्रांसफर करना, ओके, वो है न्यूरॉन। और साथ में तो इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और दूसरा, इस न्यूरॉन के साथ जितने भी नॉन सेंसरी सेल्स है, नॉन सेंसरी सेल्स, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोग्लियॉन। देखो वर्ड ग्लियॉन मतलब वर्ड एसोसिएटेड या चिपका हुआ, एसोसिएटेड, ओके। तो न्यूरोग्लियॉन्स, दे आर द सपोर्टिंग एंड द एसोसिएटेड सेल्स। सो न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियॉन, दे आर द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे बेसिक कंपोनेंट जो है आपके नर्वस टिश्यू का। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है, दिस इज़ द रेटिनल सेल, मुझे रेटिना जो है आंखों का जो इनर लाइन है उसमें ये सेल्स रहते हैं। एंड देन न्यूरोग्लियन, दिस इज एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोग्लियन, जो हमेशा नर्व फाइबर, जो एक्सॉन फाइबर आपको मालूम होगा न्यूरोन का एक पार्ट है, उसके साथ उसको रैप करता है, उसको कहते हैं शेवान सेल। शेवान सेल क्योंकि शेवान नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या है डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया था, ओके। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, तो जनरली नर्वस टिश्यूज या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर पार्ट होगा तो उसके आखिर में ऑन रहेगा। जैसे देखिए न्यूरॉन देन न्यूरोग्लियॉन, जनरली तो कोई भी वर्ड, हाँ कोई भी सारे वर्ड जो ऑन से एंड होता है डज नॉट मीन इट इज रिलेटेड टू नर्वस टिश्यू। लेकिन नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम को जब स्टडी करेंगे उसमें जो भी टेक्निकल वर्ड ऐसा भी वर्ड आता है जो ऑन जिसके साथ अटैच है, मतलब वो नर्वस टिश्यू का पार्ट है, स्पेशल पार्ट है। सफिक्स इज ऑन, जैसे अभी गेस कीजिए एनसेफलॉन क्या है और मायलॉन क्या है, ये नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट है। एनसेफलॉन is the scientific name of brain and myelin is the scientific name of what? Spinal cord. अभी इसके बारे में हम लोग nervous system में तो पढ़ने ही वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ऐसी basic बता दिया। So the neuron जो है जब उनका group बनता है, when they form cluster, तो उसको ganglion कहते हैं, if they are in the peripheral या autonomous nervous system, okay? So very important point. या बेसल न्यूक्लियस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, यानी कि ब्रेन में जब होते हैं, ब्रेन में जब होते हैं, ब्रेन के अंदर जब क्लस्टर बनाते हैं तो उसको बेसल न्यूक्लिया कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जब फाइबर्स बनता है तो पीएनएस और एएनएस से जो फाइबर्स निकलते हैं उनको नर्व्स कहते हैं, और सीएनएस मतलब ब्रेन के अंदर अगर फाइबर्स या फाइबर का जाल रहता है तो उसको ट्रैक्ट कहते हैं। तो दीज आर द टेक्निकल थिंग्स वी जो है टू, जो इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। तो ये आपका नर्वस सिस्टम में भी हम लोग कैसे डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले कैसे आपको डिटेल में स्टडी करना है न्यूरॉन, क्योंकि वो बेसिक यूनिट है आपका न्यूरल सिस्टम का या नर्व टिश्यू का बोल सकते हैं, ओके। सो इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, मतलब पार्शियली इलेक्ट्रिकल पार्शियली केमिकल। सो दिस इज द ड्रॉइंग, ओके, ये हम लोग आप लोगों ने लेकिन बचपन से यही डायग्राम देखा होगा, ओके? तो इसी को हम लोग भी ड्रॉ भी करेंगे, ओके? सो द मेन सेल जो न्यूरॉन का है ये है, दिस इज द मेन सेल जिसको कहते हैं साइटोन, इसी को साइटोन कहते हैं, उसी का दूसरा नाम इधर दिया हुआ है सेल बॉडी, उसी को सोमा भी कहते हैं, इसको सोमा भी कहते हैं, ओके। तो दिस इज एक्चुअल सेल और इससे निकलते हैं प्रोसेस। तो देखिए ये एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस है, चौथा पांचवा सिक्स, ये शॉर्ट प्रोसेस है और शॉर्ट प्रोसेस जो है उसको कहते हैं डेंड्रॉन।
तो ये इनकमिंग वैकेंसी मैसेज लेके आता है ओके okay? और फिर एक लॉन्ग प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, ये लॉन्ग प्रोसेस दिस इज एक्सॉन, जो इस सिग्नल को जो डेंड्रॉन ने, तो डेंड्रॉन ने जो सिग्नल कैसे रिसीव किया वो साइटॉन में जाता है, साइटॉन इसको एक्सॉन के जरिए नेक्स्ट पार्ट, वो नेक्स्ट न्यूरॉन हो सकता है या टारगेट ऑर्गन हो सकता है, वहां तक लेके जाता है ओके okay? तो ये बेसिक एस्पेक्ट है। सो तो टिपिकल न्यूरॉन अभी देखो शेप के हिसाब से वो स्टार शेप है, देन इस सेल से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं प्रोसेस, इसके लिए उसको मल्टीपोलर कहते हैं। देन द फाइबर जो है एक्सॉन फाइबर, उसको माइलिन शीट का कवर रहता है, स्पेशल फैटी शीट जो इंसुलेशन का काम करता है, और साथ में इट इज मोटर टाइप। तो ये जो डायग्राम है ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन जो मोटर टाइप, और मोटर टाइप उस न्यूरॉन को कहते हैं जो ब्रेन के मैसेज को या नर्व सेंटर के मैसेज को टारगेट ऑर्गन, और टारगेट ऑर्गन दो होता है, मसल या आपके ग्लैंड तक पहुंचाता है ओके। सो तो न्यूरॉन्स जब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट एकदम एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होते हैं, गैप रहता है, उस गैप जंक्शन को कहते हैं साइनेप्स। तो इसके बारे में भी हमको जानकारी लेनी है। सो एक टिपिकल न्यूरॉन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उसके तीन पार्ट है, साइटॉन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन ओके। अब इसमें डेंड्रॉन एंड एक्सॉन जो है दे आर द सेल प्रोसेस, तो एक और तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपका जो न्यूरॉन है उसके दो पार्ट है, साइटॉन द मेन सेल और उसमें से निकलने वाले प्रोसेस, फिर सेल प्रोसेस दो टाइप का है, डेंड्रॉन और बी वॉट एक्सॉन, इस तरह से भी आप क्या है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और जो ट्रांसमिशन होता है, जो इंपल्स ट्रांसमिट होता है, कैसे डेंड्रॉन से साइटॉन और साइटॉन से जाता है वॉट एक्सॉन, सो दिस इज द डायरेक्ट थ्रू विच द सिग्नल विल के ट्रांसमिटर थ्रू न्यूरॉन, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे ओके। सो ट्रांसमिशन इन फोन्स, so cyton, dendron, axon are the three main parts of the neuron. चलिए अभी डिटेल में थोड़ा और देख लेते हैं ओके, स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो दिस इज द ड्रॉइंग, अगर आपको ड्रॉइंग बनाना है तो ये आप बना सकते हो ओके, दिस इज ड्रॉन बाय मी ओके। नाउ तो फिर से देखते हैं न्यूरॉन की स्टेलेट स्टार शेप है, इट इज मल्टीपोलर, इट इज माइलिनेटेड और साथ में इट इज मोटर टाइप, तो इट हैज थ्री पार्ट, तो पहला है cyton, दूसरा है dendron, तीसरा है what axon। तो साइटॉन ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल सेल पार्ट जो जनरली ओवल या स्फेरिकल होता है ओके, तो एक्चुअल सेल पार्ट ये है, और इसको सेल बॉडी या सोमा भी कहते हैं ओके। सो ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू कैन से रिमेंबर। देन डेंड्रॉन आर द शॉर्ट प्रोसेस, तो कितने शॉर्ट प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार शॉर्ट प्रोसेस आपको दिख रहे हैं ओके, दो ऊपर के साइड पे दिख रहा है, दो नीचे के साइड पे दिख रहा है, इसको डेंड्रॉन कहते हैं, which are the short processes, और exon is the single long process. तो ये जो आपको you can see fiber दिख रहा है, ये है exon, which is a one long process. तो अभी cell body के component देखते हैं, तो nervous cell जो है, उसके अंदर naturally जो fluid है, उस fluid को कहते हैं, ये जो fluid आपको दिख रहेगा, okay? जैसे cell का cytoplasm, तो ये nerve cell है, इसके लिए neuroplasm. And then, जो आउटर कवरिंग है, तो नॉर्मल सेल का होता है आपका प्लाज्मा लेमा, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूरोलेमा, तो दिस आउटलाइन जो है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, देन न्यूरोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन ओके, इसके लिए न्यूरो वर्ड आ गया। देन फिर आपका साइटोप्लाज्म में आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, दिस फाइबर्स ओके, दे कैरी द इंपल्स, so neurofibrils कहते हैं, and center में आपको एक लार्ज न्यूक्लियस दिखेगा, और very specific, ये बहुत ही important है, निसल ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये सब पार्टिकल दे हैं निसल ग्रैन्यूल्स, which are the complex of we can see what RNA, so they prepare the proteins, okay, उनको निसल ग्रैन्यूल कहते हैं, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है आपका, एक यहाँ पे है, okay, so these particles are which is the peculiarity of the nerve cell. Okay. Now, dendron की बात करेंगे, तो ये जो branch आपको दिख रहा है, ये branch, ये है dendron, और you can see dendron से भी finally क्या होता है, branches निकलते हैं, जिसको arboration कहते हैं, arboration का मतलब होता है branching, और जो terminal branching है dendrite, उसको कहते हैं dendrite. अभी आप ध्यान से अगर dendrite के tip को देखोगे, तो आपको एक cup जैसा structure दिखेगा, okay? तो ये होता है कैन सी वॉट कनेक्टर ओके, तो इसी से वो
एडजेसेंट जो न्यूरॉन है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, ओके, या आपका नर्व सेल के साथ या सेंसरी सेल्स के साथ कनेक्टेड रहता है। तो नीचे भी आपके दो ये डेंड्राइट्स है, तो टर्मिनल ब्रांचेस, डेंड्रॉन के टर्मिनल ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहते हैं। और फिर फाइनली एक्सॉन फाइबर, तो एक्सॉन फाइबर देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट तक यू कैन सी वो, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिलके जो फाइबर तैयार हुआ दैट इज द एक्सॉन, तो यहां से यहां तक, ओके, पूरा, एंड दिस इज द टर्मिनल यू कैन सी पार्ट ऑफ द एक्सॉन फाइबर। तो जिस पॉइंट से एक्सॉन फाइबर रेज होता है, देखो वो आपको दिख रहा है हिल जैसा स्ट्रक्चर, हिल जैसा स्ट्रक्चर, तो उसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, हिलॉक मतलब छोटा सा हिल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द यू कैन सी पॉइंट फ्रॉम व्हिच द एक्सॉन एक्चुअली व्हाट इमर्जेस, देन द टर्मिनल पार्ट जो है देखो नॉब जैसा है, ओके, उसको एक्सॉन नॉब कहते हैं, और यही एक्सॉन नॉब जो है इट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द डेंड्राइट। तो एक न्यूरॉन का एक्चुअली डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन नॉब के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे दिखा सकते हैं डेंड्राइट का जो एंड ये है, ओके, और ये है आपका वार्ड एक्सॉन नॉब, तो ये हो गया आपका एक्सॉन नॉब, ये हो गया आपका वार्ड डेंड्राइट, ठीक है। दे आर नॉट इज दे आर नॉट इन द फिजिकल कॉन्टेक्ट विद, गैप रहता है, और इसी गैप को हम लोग साइनैप्स कहते हैं, इट्स कॉल्ड साइनैप्स, ओके। नाउ तो एक्सॉन फाइबर इज टर्मिनली ब्रांच्ड, उस ब्रांचेस को कहते हैं टेलो, टेलो का मतलब ये होता है एंड, 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 ओके, और उसको एक्सोनिट्स भी कहते हैं, दैट्स अनदर नेम, उसको एक्सोनिट्स भी कहते हैं। देन सम ऑफ द एक्सॉन फाइबर जो यहां पे टिपिकल है उसमें जो ये एक्सॉन फाइबर है, ओके, इसके थ्रू इंपल्स गुजर रहा है, तो उसको इंसुलेट करने के लिए एक फैटी शीट रहता है, फैटी शीट, फैट से बना हुआ कवरिंग, फैटी शीट, इस फैटी शीट को कहते हैं माइलिन शीट, सो दैट ब्लू कलर लेयर जो आपको दिख रहा है दैट इज अ माइलिन शीट, और उसको बनाता कौन है, यू कैन सी ये जो आपको रेड कलर का आपको यूनिट्स दिख रहा है, दिस रेड कलर यूनिट्स आर एक्चुअली स्पेशल रैपिंग सेल्स, जो न्यूरोग्लियन सेल्स, श्वान सेल्स आर नथिंग बट स्पेशल न्यूरोग्लियन सेल्स, क्योंकि वो नर्व सेल के साथ एसोसिएटेड है, ओके, वो रैप करते हैं और ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ओके, सो दिस इज श्वान सेल, एंड तो श्वान सेल्स भी नेचुरली व्हेन दे आर रैपिंग तो बीच में गैप आ रहा है, देखो बीच बीच में एक ऐसी गैप आ रहा है, इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, और इसी नोड के थ्रू द सिग्नल जंप होता है, यानी कि जो सिग्नल, जैसे ये सिग्नल जनरेट हुआ तो ये पहले डेंड्रॉन से साइटॉन में जाएगा, साइटॉन से वो एक्सॉन के इस पॉइंट से दूसरे नोड में, तीसरे नोड में, और फिर फाइनल एजेंसी नॉब तक हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं साल्टेशन या साल्टेटरी एजेंसी व्हाट या जंपिंग टाइप का, जंपिंग टाइप का इंपल्स, इससे सिग्नल जो है तेजी से अपने टारगेट तक पहुंचता है, ओके, सो तो साइटॉन हो गया आपका ये, फिर डेंड्रॉन This short process or axon जो है, okay? वो आपका long process है, तो dendron receive the signal, इसके इसको afferent agency process भी कहते हैं, और जो axon है, axon, तो axon का काम है कि signal को फिर लेके जाना, इसके लिए इसको efferent भी कहते हैं, तो efferent is outgoing, इसको outgoing process भी कहते हैं, तो ये technical है, afferent मतलब incoming, afferent मतलब outgoing, तो afferent incoming, efferent outgoing, तो dendron will receive the signal and axon will carry it away, या तो वो next neuron में जाएगा, नहीं तो target against what cell पे जाएगा, तो target cells दो होते हैं, target cells वो दो होते हैं, एक है आपका against muscle और दूसरा है gland, क्योंकि इन्हीं दोनों को control करना, muscle से movement होता है और gland से secretions होता है, okay? तो muscles and glands को control करने का काम ही main काम जो है आपका nervous टिश्यू कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये है आपका अगेन नोट्स, तो यू कैन टेक डाउन दिस नोट्स, यू कैन पॉज एंड टेक द, यू कैन सी व्हाट एंड स्क्रीनशॉट, चलिए, इसमें एडिशनल है कि एक्सॉन्स कैन हैव द साइड ब्रांच, एडिशनल चीज है, एक्सॉन कैन हैव साइड ब्रांच, इसको कोलैटरल्स कहते हैं, इन सम केस जो एक्सॉन है उसमें से शॉर्ट ब्रांचेस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ओके, तो इसको कहते हैं कोलैटरल्स, दिस इज द एडिशनल पॉइंट यू शुड नो, चलो बाकी पॉइंट्स हमारे कवर कर लिया था, चलिए।
अब देखते हैं मेन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स को तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। दूसरा है बेस्ड ऑन माइलिनेशन, यानी कि न्यूरॉन के जो फाइबर्स है उनको माइलिन शीट है या नहीं। और तीसरा है बेस्ड ऑन गट फंक्शन, क्योंकि तीन बेसिक फंक्शन एक नर्व सेल्स करते हैं। तो पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके पास तीन टाइप है, यूनिपोलर यानी कि सिंगल एंड से प्रोसेस निकलता है, ओनली वन प्रोसेस फ्रॉम द साइटॉन। देन बाइपोलर मींस एक्सॉन, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन फ्रॉम द साइटॉन। तो साइटॉन का एक एंड से एक्सॉन और एक एंड से व्हाट, डेंड्रॉन, ओके। क्योंकि देखिए, क्योंकि टिपिकल अगर न्यूरॉन देखेंगे तो ये आपका एक ऐसी नर्व सेल का ये साइटॉन पार्ट है जिसको सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर एक एंड से एक ही फाइबर निकल रहा है, ओके, तो जनरली वो होता है आपका एक्सॉन नहीं तो डेंड्रॉन, तब ये हो जाएगा आपका यूनिपोलर। फिर आपका सेल अगर है, ओके, उसके एक एंड से एक फाइबर और दूसरे एंड से दूसरा फाइबर निकल रहा है, तो एक एंड से जो फाइबर निकलेगा वो डेंड्रॉन होगा, दूसरे एंड का फाइबर होगा एक्सॉन, तो ये हो गया आपका बाइपोलर। तीसरा टाइप जो है वो है मल्टीपोलर, मतलब जो न्यूरॉन सेल है उसमें से बहुत सारे शॉर्ट प्रोसेस निकलेंगे विच आर ऑल डेंड्रॉन्स, और फिर एक लॉन्ग एक्सॉन निकलेगा, ओके। तो बीच वाला जो पार्ट है ना इसमें वो है साइटॉन, क्योंकि सिग्नल हमेशा आपका डेंड्रॉन से साइटॉन, साइटॉन से एक्सॉन इस फ्लो में कैन सी फ्लो होता है, ओके। तो मल्टीपोलर मतलब एक एक्सॉन रहेगा जनरली और एक से ज्यादा डेंड्रॉन रहते हैं, तो इसके लिए इसको मल्टीपोलर कहते हैं। और जो हमारा टिपिकल एकेंसी जो एग्जांपल था, टिपिकल एग्जांपल था मल्टीपोलर, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मल्टीपोलर वाज टिपिकल। दूसरा है फंक्शन के हिसाब से, फिर से तीन टाइप है, सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन भले वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है उनके सिग्नल को रिसीव करके नर्व सेंटर दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा या गैंग्लियंस तक पहुंचाएगा, उसको सेंसरी कहते हैं। दे कैरी मेनली द इंपल्स टू द ब्रेन। इसका अपोजिट है, ब्रेन में चीजें एनालिसिस होते हैं, नर्व सेंटर में चीजें एनालिसिस हो सकती है, फिर आपको मसल और ग्लैंड को मैसेज भेजना है कि भाई मूवमेंट कितना करना है, कब करना है या सिक्रीशंस कब करना है, तो वो जो सिग्नल है वो मोटर न्यूरॉन लेके जाता है। तो इट कैरी इंपल्सेस टू द इफेक्टर, इफेक्टर का ही मतलब होता है टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन मैंने आपको पहले बताया दो होते हैं, तो नर्वस टिश्यू जनरली मसल और ग्लैंड्स को क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। और इंपल्स आता कहां से है, वो आता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जितने भी है आपके पांच तो आपको मालूम ही है, ओके। और फिर इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एसोसिएशन न्यूरॉन जिसको इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो एसोसिएशन का काम क्या है, वही तो सबसे मेन काम है, सेंसेशन को रिसीव करके एनालिसिस करना कि सेंसेशन कैसे स्ट्रांग है, वीक है, अच्छा है, बुरा है, उसके हिसाब से हम लोग टारगेट को या मसल और ग्लैंड को क्या है, सिग्नल दे सकते हैं, ओके। तो इट इंटरकनेक्ट सेंसरी एंड मोटर एंड परफॉर्म्स द इंटीग्रेटिंग फंक्शन, ओके। चलिए, और बेस्ड ऑन माइलेशन दो टाइप का है, तो जिन न्यूरॉन्स के फाइबर्स को माइलिन का कवर होगा उसको मेड्यूलेटेड नहीं तो माइलिनेटेड कहते हैं, और नहीं रहेगा तो उसको नॉन मेड्यूलेटेड कहते हैं। और उसकी वजह से फिर जो कलर में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मेड्यूलेटेड जो न्यूरॉन्स रहते हैं दे अपीयर व्हाइट, और जो नॉन मेड्यूलेटेड रहते हैं दे अपीयर व्हाट, ग्रीश, दे अपीयर ग्रे। तो इसके लिए नर्वस टिश्यू में दो टाइप का यू कैन सी मैटर होता है, व्हाइट मैटर आपने सुना होगा और दूसरा वर्ड ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर इसके लिए क्योंकि माइलिन शीट नहीं रहेगा, और व्हाइट मैटर इसके लिए क्या है, बिकॉज माइलिन शीट रहेगा विच इज अ फैटी लेयर, सो विद फैटी माइलिन शीट, और यहाँ पे माइलिन शीट इज नॉट एब्सेंट, ओके। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए समरी टू डिस्टिंग्विश द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, माइलिनेशन एंड वर्ड फंक्शन। चलिए एक एक करके अभी डिटेल में देखते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन टाइप है, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। ये डायग्राम से हम लोग देखेंगे। सो यूनिपोलर का ये देखो एग्जांपल है, ओके। तो ये आपका जो साइटॉन है इससे एक ही एंड से एक फाइबर निकल रहा है, फिर उसके ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रहे दोनों एंड से, ओके। तो उसमें एक कहलाता है पेरिफेरल और दूसरा है सेंट्रल प्रोसेस कहलाता है, ओके। तो यूनिपोलर, तो ऐसे टाइप के यूनिपोलर जो है इसमें वन एक्सॉन रहेगा और डेंड्रॉन जनरली नहीं होता है, ओके। इट इज फाउंड इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो जितने भी अर्ली डेवलपिंग स्टेज होता है अंडे के अंदर नहीं तो वर्म के अंदर एनिमल्स के बॉडी में, उसमें आपको ये मिलेंगे। बाइपोलर, तो ये है बाइपोलर,
इसमें साइटॉन के एक एंड से डेंड्रॉन अराइज हो रहा है, दूसरे एंड से एक्सॉन अराइज हो रहा है, इसको बाइपोलर कहते हैं। तो वन एग्जांपल वन डेंड्रॉन टू टू अपोजिट एंड्स, ये रेटिना में रहेगा, ओके। और मल्टीपोलर सबसे कॉमन है, जो हमने स्टैंडर्ड जो अभी न्यूरॉन देखा वो मल्टीपोलर था, ओके। तो इसमें मल्टीपोलर में आपके एक एक्सॉन और दो से ज्यादा डेंड्रॉन रहता है, जो सबसे कॉमन टाइप है। और ये आपका ब्रेन में जनरली इसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका ब्रेन में रहता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड व्हाट, मल्टीपोलर, दे आर द थ्री यू कैन सी व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। चलिए अभी बात करते हैं फंक्शन के हिसाब से। तो फंक्शन के हिसाब से फिर से तीन है, सेंस करने वाले, मैसेज को ब्रेन से टारगेट ऑर्गन में लेके जाने वाले मोटर, और इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने वाले एसोसिएशन। तो सेंसरी न्यूरॉन को आपका एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन बिकॉज़ दे कैरी इंपल्स टू ब्रेन, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्योंकि एनिमल बॉडी जब तक उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा सराउंडिंग में क्या चेंजेस चल रहा है, उसके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, ओके, खतरा क्या है, ओके, बॉडी को पानी कम, पानी का ज्यादा हो गया या कम हो गया, करेक्ट ना, तो वो सारे चेंजेस जो है वो डिटेक्ट करने के लिए भी रिक्वायर्ड सेंसरी वायर। ये वायर चाहिए जो बॉडी को एक्चुअली कॉन्शियस बनाते हैं, ओके, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन के साथ जुड़े होते हैं। अगर ये टूट गए तो नेचुरल सेंसेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। फिर मोटर न्यूरॉन, उसको इफेक्टर न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये इफेक्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन मतलब टारगेट ऑर्गन तक अपने सिग्नल को लेके जाता है। दे कैरी इंपल्स टू द टारगेट। और एसोसिएशन न्यूरॉन को प्रोसेसर न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंसरी इनपुट मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है और साथ में इंटीग्रेशन का काम करता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग का काम करता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि जो सिग्नल आया है, ओके, उसके हिसाब से बॉडी में किस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए, ओके, जिसको रेस्पॉन्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका सेंसरी। कैरी इंपल्स ऑफ स्टिमुलस, तो स्टिमुलस मतलब एनी काइंड ऑफ चेंज। तो एनी चेंज जो हमारा बॉडी डिटेक्ट करता है, एक्सटर्नल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, उसको स्टिमुलस कहते हैं। फ्रॉम सेंस ऑर्गन कॉल्ड रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन्स को रिसेप्टर कहते हैं। तो नर्व सेंटर, और मेन नर्व सेंटर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और दूसरा आपका गैंग्लियंस, छोटे छोटे ब्रेन आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में रहते हैं, उसको कहते हैं गैंग्लियंस, ओके। नाउ द इफेक्टर न्यूरॉन जो है उसका काम क्या है, कैरी इंपल्स और रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स मतलब अभी फाइनल मसल और ग्लैंड में क्या चेंजेस आएगा, वही हमारे बॉडी का ओवरऑल रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे खाना खाना है तो उसके लिए एक ऐसी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होना चाहिए, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को मैसेज मिलता है, ओके। अगर आपको एक ऐसे खाना खाना है तो नेचुरली उसके लिए मुंह पार्ट्स, इसोफेगस का मूवमेंट होगा, स्टमक का मूवमेंट होगा, मूवमेंट नेचुरली आपके मसल्स की वजह से होते हैं, ओके। तो मसल एंड ग्लैंड्स तक जब मैसेज पहुंचता है तो उसको कहते हैं, वो पहुंचाता है कौन, मोटर न्यूरॉन, ओके। तो उसी से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस पे डिपेंड करता है, तो जैसा स्टिमुलस बॉडी रिसीव करता है वैसा रिस्पॉन्स। और इन दोनों को इंटरकनेक्ट जो किया जाता है वो प्रोसेसर न्यूरॉन के, वो इंटरकनेक्ट करता है सेंसरी या मोटर को, जो जनरली नर्व सेंटर जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होता है, उसका काम है कि ये जो सेंसेशन रिसीव हो रहा है उसको एनालिसिस करो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी मैसेज। तो स्टिमुलस को एनालिसिस करके कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स दे दिया जाता है, ओके। तो तीनों टाइप के यू कैन सी न्यूरॉन्स। चलिए अभी नेक्स्ट इज माइलिनेशन के हिसाब से, ध्यान दीजिए अभी, ओके। तो माइलिनेशन के हिसाब से है पहला माइलिनेटेड, और जिसमें श्वान सेल का एनवेलप होता है और एक माइलिन शीथ देयर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइलिन शीथ इज अ फैटी लेयर, जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं जनरली वो माइलिनेटेड रहते हैं, ओके। और इसकी वजह से नेचुरली मैंने पहले बताया उससे व्हाइट मैटर बनता है, ओके। तो जिन फाइबर्स को माइलिन का कवर होता है वो व्हाइटिश दिखते हैं, ज्यादा व्हाइटिश दिखते हैं, ओके। तो और साथ में श्वान सेल के होने से बीच में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। जैसे ये फाइबर आपको, ओके, तो ये एक श्वान सेल, ये दूसरा श्वान सेल, और यही श्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है। तो यहाँ पे माइलिन शीथ रहेगा ऐसा, लेकिन बीच में गैप रहता है, ये गैप को ही नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो जिन फाइबर को ये फैटी लेयर नहीं रहता है उसको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं, जिससे जो मैटर तैयार होता है वो लेस व्हाइट होता है, उसको ग्रे मैटर कहते हैं। तो इट इज जनरली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो ANS सिस्टम जो है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसमें आपको मिलेगा। चलिए अभी डायग्राम से देखते हैं। देखो तो ये जो दो आपको येलो कलर का लाइन दिख रहा है ये है आपका एक्सॉन, तो दिस टू आर एक्सॉन। और एक्सॉन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से देखिए क्या है,
श्वान सेल का एनवेलप है। तो यहाँ पे भी श्वान सेल है, यहाँ पे भी श्वान सेल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि पहले वाले में श्वान सेल जो है अंदर की तरफ एक मटेरियल तैयार करता है, ओके, और एग्जॉन को एक कवर मिलता है। दिस इज द माइलिन शीथ। तो ये है आपका रेड कलर का, रेड में मैंने एक इसको कलर किया है, एक्चुअली वो व्हाइटिश रहता है, ओके, लेकिन यहाँ पे रेड से कवर किया, देखो तो माइलिन शीथ। और इसके हिसाब से जो फाइबर्स अल्टीमेटली तैयार हो जाएंगे तो दो टाइप का होगा। तो व्हाइट मैटर वो होता है जिसमें मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स रहेंगे, और आपका ग्रे मैटर होगा जहां पे साइटोन के साथ साथ नॉन मेड्यूलेटेड व्हाट नर्व फाइबर्स रहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट नीड, ये नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड है, ओके। चलिए, तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड आर द टू टाइप्स ऑफ वी कैन सी व्हाट नर्व्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। चलिए अभी थोड़ा हम लोग पिक्चर ही करते हैं माइलिन शीथ। देखिए अभी ये कट सेक्शन है, ये आपका मतलब जैसे मैं बताता हूँ ये ऐसा कट किया हुआ है। कट सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका वैकेंसी एग्जॉन का कट सेक्शन। देखिए एग्जॉन, तो एग्जॉन का जो कंटेंट है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ओके। जैसे नर्व सेल का देखेंगे तो न्यूरोप्लाज्म, एग्जॉन के पार्ट को हम लोग एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म एग्जॉन का मेम्ब्रेन, और उसको माइलिन का क्या है कवरिंग किया हुआ है। और ये कवर कौन बना रहा है, इसके बाजू में एसोसिएटेड आपका श्वान सेल, ओके, का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो शीत होता है नेचुरली बीच बीच में रैनियर होता है, तो इससे जो है आपका सिग्नल तेजी से एक नोड से दूसरे नोड में क्या होता है, जंप होता है। तो दैट पार्ट विल अंडरस्टैंड इन द ट्रांसमिशन पार्ट, ओके। फिर अगर एग्जॉन को कोई कवर नहीं है, मतलब माइलिन शीत अगर नहीं है, देयर इज नो माइलिन शीत, नो माइलिन शीत, ओके, तो वो हो गया नॉन माइलिनेटेड। इधर देखिए, इधर आपको दिख रहा है ये एग्जॉन जिसको माइलिन शीथ है, तो ये माइलिन शीथ है, दिस इज माइलिन शीथ। तो ये यहाँ इसमें आपको दोनों दिख रहा है, इस एग्जॉन को माइलिन शीथ है, इस एग्जॉन को माइलिन शीथ नहीं है, ओके। देन तो नर्व फाइबर जब जमा होता है तो उससे जो उनको कवर मिलता है उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम, ओके। तो देयर इज अ फाइब्रस लेयर प्रोटेक्शन के लिए, तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूरोफाइब्रल जो है उससे बंडल बनता है, तो फाइनल बंडल बनता है उसको कहते हैं पेरीन्यूरियम। तो जिस तरह मसल को भी एक ऐसे शीत मिलता है, उसे नर्व फाइबर्स को भी शीत मिलता है, ओके, उसको हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे, ओके, और सिंगल नर्व जो है, ओके, और ऐसे बंडल को फाइनली एपिन्यूरियम से कवर किया जाता है। तो एंडो सबसे इंटरनल, उसके बाद में पेरिन्यूरियम, सबसे बाहर क्या है एपिन्यूरियम। तो अभी हम लोग देखेंगे, ओके, विद द डायग्राम आई विल शो। तो फर्क ये फिर यहाँ पे है कि माइलिनेटेड एक्सॉन में जो ट्रांसमिशन होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, जंपिंग सिग्नल्स जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कंडक्शन होता है वो स्लोअर रेट का होता है। तो दैट इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ओके। यानी कि माइलिनेटेड में जो सिग्नल फ्लो होता है वो फास्ट होता है, और यहाँ पे स्लो होता है। और फास्ट कैसा होता है, बिकॉज द सिग्नल जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। नर्व्स की बात करेंगे, ओके, नर्व्स जो है नर्व फाइबर से अल्टीमेटली जो बंडल बनता है उनको नर्व्स कहते हैं। तो बंडल ऑफ एक्सॉन फाइबर इज इनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर कनेक्टिव शीथ, ओके, बिकॉज सारे एक्सॉन्स जो मिलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, जितने भी एक्सॉन से मिलके एक बंडल बनता है। और नर्व्स को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है, ओके, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल फेज अलग अलग फेजेस के जो वायर होते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको। तो दिस इज अ सिंगल बंडल ऑफ द यू कैन सी व्हाट इलेक्ट्रिकल केबल, जिसमें चार सेपरेट केबल्स हैं, ओके, यार ये दूसरा बोल सकते हैं, देखिए ये पॉजिटिव वायर है, ओके, ये नेगेटिव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ओके, ये अर्थिंग हो सकता है, तो आप, ओके, तो दिस इज द पीवीसी। तो पीवीसी शीट, हर वायर को पीवीसी से, ये सबसे पहला है, उसके बाद में दूसरा है, करेक्ट नो। तो उसी तरह ये हो गया आपका सिंगल नर्व बंडल, ओके, तो उसका बाहर वाला लेयर है, फिर अंदर भी बंचेस रहते हैं, यू कैन सी आपका बंडल्स रहते हैं नर्व फाइबर्स के। तो इसका शुरुआत देखिए कैसे होता है, तो आपका सिंगल नर्व फाइबर है, सिंगल सिंगल सबसे यू कैन सी बेसिक वो है एक्सॉन। तो दिस इज द एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन, और एक्सॉन को प्रोटेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ श्वान सेल, और श्वान सेल तैयार क्या करता है आपका माइलिन। और अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो देखो ये सिंगल आपका नर्व बंडल है, तो ये सिंगल सिंगल जो आपको ये ऐसा दिख रहा है ये है सिंगल सिंगल एक्सॉन, सिंगल सिंगल एक्सॉन है, यानी कि एकदम अगरबत्ती का अगर पूरा लेंगे, ओके, उसमें सिंगल अगरबत्ती एक सिंगल एक्सॉन बोल सकते हैं, ओके। सो तो ईच एक्सॉन फाइबर, तो स्टार्टिंग ऐसा होता है, हर एक्सॉन फाइबर जो है, ओके, इन ए बंडल,
उसको कवर किसका है, उसको माइलिन शीट का कवर है। यानी कि देखो हर वायर जो होता है इलेक्ट्रिक वायर को उसका अपना कवर होता है, पीवीसी का कवर होता है, ठीक है, जो इंसुलेटर का काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन, इसको माइलिन का कवर है, ओके, एंड दिस इज द माइलिन शीट, जो ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है वो आपका माइलिन शीट, ओके, जो सबसे पहला कवर जो एक्सॉन को मिलता है वो है माइलिन शीट। ऐसे बहुत सारे एजेंसी वर्ड एक्सॉन, ये एक एक्सॉन है, ये दूसरा एक्सॉन है, ये तीसरा एक्सॉन है, ओके, तो इससे एक बंडल बनता है, ओके, तो इस बंडल को एक कवर मिलता है बाहर से, ओके, उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम। क्या कहते हैं? एंडोन्यूरियम। बहुत सारे एंडोन्यूरियम मिलके बनता है पेरिन्यूरियम। तो ये स्पेस जो है ये है पेरिन्यूरियम, ओके, और फिर पूरे बंडल को बाहर जो है आउटर मोस्ट कवर बनता है उसको कहते हैं एपिन्यूरियम, ओके, तो एपी मतलब व्हाट, आउटर मोस्ट, ओके, पेरी मतलब अराउंड, एंडो मतलब इनर मोस्ट, तो एंडो हो गया इनर मोस्ट, पेरी हो गया अराउंड, और एपी हो गया व्हाट, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो उससे आपका एक नर्व बंडल बनता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि जितना भी एजेंसी जिस बॉडी के जिस हिस्से से जो सिग्नल मिल रहा है, ओके, वो किसी दूसरे किसी बॉडी पार्ट के सिग्नल से इंटरफेयर नहीं करे। या ब्रेन जब बॉडी के हर पार्ट को सिग्नल देता है तो एक सिग्नल, यानी कि हाथ को मूव करना है तो हाथ के एक फिंगर को मूव करना है तो उसी तक सिग्नल जाएगा, ओके, और दूसरे फिंगर को वो सिग्नल नहीं मिलेगा। इसके लिए जब नर्व्स कट जाते हैं, हाथ कट जाता है, तो नर्व्स फाइबर जब कट हो जाता है तो तब उसके बाद में नर्व सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ओके, या सेंसेशन लॉस होता है, या कंट्रोल में थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब ये है इंटरेक्शन, अभी न्यूरॉन का इंटरेक्शन अभी शॉर्ट में देखते हैं, ओके, क्योंकि नर्वस सिस्टम है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम कंप्यूटर सिस्टम की है, क्योंकि सिस्टम में गॉट इनपुट डिवाइस जिसमें कीबोर्ड है, माउस आता है, ओके, फिर आपके पास सीपीयू चाहिए जो एनालिसिस करता है, उसमें मेमोरी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट होता है, मेमोरी पार्ट होता है, लॉगरिथमिक एज वैकेंसी यूनिट होता है, ओके, फिर आउटपुट डिवाइस। अभी इसका मतलब है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के साथ सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसमें मॉनिटर और प्रिंटर आ गया, तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है दे आर द आउटपुट डिवाइस, ओके। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्टेड है, तो इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर होता है, वो जाता है आपके वार्ड सीपीयू के पास, और सीपीयू उसको एनालिसिस करता है, ओके, और सीपीयू एनालिसिस करने के बाद जो भी रिजल्ट है उसको आउटपुट डिवाइस के जरिए डेमोन्स्ट्रेट कर देता है, या डिस्प्ले कर देता है, या रिजल्ट प्रिंटर है तो नेचुरली प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ओके, तो इस तरह आपका कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, ओके, तो इन द सेम वे हमारा नर्वस टिश्यूज या नर्वस सिस्टम ही काम करता है, ओके, जैसे इनपुट डिवाइस इज द रिसेप्टर, तो रिसेप्टर हो गया सेंस ऑर्गन, और आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो है इफेक्टर, मतलब टारगेट ऑर्गन, और आपका जो सीपीयू है इट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग नर्व सेंटर, ओके, सो तो इनपुट डिवाइस इन केस ऑफ अवर नर्वस सिस्टम इज द रिसेप्टर जो सेंस ऑर्गन है, और आपका सीपीयू जो है वो नर्व सेंटर है जो सिग्नल को एनालिसिस करता है, और इफेक्टर क्या है, टारगेट ऑर्गन है मसल एंड ग्लैंड। चलिए देखते हैं अभी कैसे शॉर्ट में सेंस ऑर्गन फटाफट। तो पांच सेंस ऑर्गन है, उनका स्टिमुलस जो है वो सबसे पहले ब्रेन के पास जाएगा, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, तो ब्रेन इज द नर्व सेंटर जो एनालिसिस करेगा सिग्नल को, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस क्या है द मैसेज विल बी सेंड टू द टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन में जो भी चेंजेस आता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स, जो या तो मसल होगा या तो ग्लैंड होगा या दोनों होगा। जैसे आंखों में जब कचरा जाता है तब आपके कैसे आंखों के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या ब्लिंकिंग होता है आंख में, साथ में आप ज्यादा इरिटेशन का हाथ भी आंखों की तरफ आता है, रबिंग करते हैं, साथ में टीयर भी प्रोड्यूस होता है। तो टीयरिंग इज द ग्लैंडुलर एस्पेक्ट, एंड वट एवर मूवमेंट वी डिड टू रिमूव दैट यू कैन सी इरिटेशन इज द मस्कुलर मूवमेंट पार्ट, ओके। अब इससे जो तीन टाइप के न्यूरॉन्स हैं उनका भी इंटरेक्शन देखते हैं। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, सेंस ऑर्गन के सिग्नल को एसोसिएशन प्रोसेसर न्यूरॉन तक भेजता है जो ब्रेन में होते हैं, और प्रोसेसर न्यूरॉन फिर रिस्पांस को पहुंचा देते हैं मसल ग्लैंड तक, ओके। तो इस तरह सेंसरी एसोसिएशन एंड मोटर न्यूरॉन आर इंटरकनेक्टेड, और फिर जो जंक्शन पॉइंट है जहां पे तीनों न्यूरॉन एक दूसरे के कनेक्टेड है उसको कहते हैं आपका साइनैप्स। तो साइनैप्स इज द गैप जंक्शन बिटवीन टू एसल न्यूरॉन्स, ओके। तो इस तरह जो सिग्नल है वो कैसे फ्लो होता है, तो सेंस ऑर्गन ने जो भी सिग्नल जनरेट किया, ओके, या रिसीव किया, उसको सेंसरी न्यूरॉन से पहुंचा देते हैं इंटर न्यूरॉन के पास, ये होता है ब्रेन में, और यहाँ पे एनालिसिस करके जो सिग्नल जनरेट होगा उसको मोटर सिग्नल कहते हैं, ओके। तो यही जो सिग्नल है दैट इज द सेंसरी इंपल्स, और ये जो अभी सिग्नल जा रहा है ये है आपका मोटर इंपल्स, मोटर इंपल्स,
ओके, और ये मोटर इंपल्स अल्टीमेटली मसल या ग्लैंड तक पहुंच के अल्टीमेटली आपका कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है, या तो मूवमेंट से रिलेटेड या सिक्रेशन से रिलेटेड। चलिए अभी न्यूरोग्लियॉन, अब लास्ट पार्ट आपका नर्वस टिश्यू का न्यूरोग्लियॉन्स व्हिच आर द सपोर्टिंग सेल्स। द न्यूरोग्लियॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड नॉन सेंसरी सेल, दे डोंट सेंस, ओके, उनका काम सेंसेशन नहीं है, लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ एसोसिएट होना, ग्ली का मतलब ही हो, ग्ली का मैंने पहले बोला एक साथ, ओके, रिलेट होना, अटैच होना बोल सकते हैं, इट इज अटैच्ड, ओके, एसोसिएट विद न्यूरॉन, जिसका काम क्या है, व्हिच हेल्प्स इन सपोर्ट देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना, एक्सक्रीशन करना, सिक्रीशन करना, और रेगुलेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसमिशन को रेगुलेट करना, फास्ट या स्लो करना, ओके, तो कौन कौन से टाइप्स है, ये देखिए, ये छह मेन टाइप्स है, इसमें एपेंडिमल सेल, ओलिगोडेंड्राइट्स, सैटेलाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स और शवान सेल्स, ओके, तो चलिए इनका फंक्शन शॉर्ट में देख लेते हैं। तो दिस यू कैन सी जो आपको दिख रहा है सीडी, इसका भी आप यू कैन सी हर जो आपका ये स्क्रीन दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है, तो इट इज सजेस्टेड दैट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट डाउन कीजिए, ओके। तो ओलिगोडेंड्राइट जो है वो माइलिन शीथ बनाने में काम करता है और क्विक ट्रांसमिशन में मदद करता है, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो माइक्रोग्लियल्स जो है दे आर द डिफेंस सेल्स ऑफ द ब्रेन टिश्यू या नर्वस टिश्यू, ओके, एक्चुअली वो मैक्रोफेजेस, आपको मालूम है ब्लड में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो मोनोसाइट्स है, यानी कि WBC के मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो ब्रेन में कॉरस्पॉन्डिंग सेल जो है दे कॉल मैक्रोफेजेस। फिर एस्ट्रोसाइट जो है दे रेगुलेट, दे आल्सो रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर जो है वो नर्व ट्रांसमिशन को रेगुलेट करता है। फिर एपेंडिमल सेल, ये ब्रेन के इनर लेयर में, यू कैन सी CSF, वो ब्रेन के आउटर लेयर में एक वाटरी जेली जैसा तैयार करते हैं जिसको कहते हैं CSF, जिससे ब्रेन और ब्लड के बीच का इंटरकनेक्शन होता है, जिसको ब्रेन ब्लड बैरियर भी कहते हैं, ओके, जिसमें एस्ट्रोसाइट्स का भी काम होता है, BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ब्लड डायरेक्टली ब्रेन के अंदर कभी नहीं जाता, अगर आप ब्रेन को कट करो तो बाहर दिखेगा, जरा सा भी ब्लड नहीं मिलेगा, ओके, देखिए फिर ब्रेन सेल्स को फिर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो विद द हेल्प ऑफ, यू कैन सी व्हाट, एपेंडिमल सेल जो सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है उसके जरिए ब्रेन को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ब्रेन के वेस्ट को वो एक्सचेंज करते हैं। फिर शवान सेल हमने देखा, शवान सेल्स जो है वो आपके PNS जो है, मतलब आपके जो एक्सॉन फाइबर है उसको सपोर्ट देते हैं, रैप करते हैं और माइलिन तैयार करते हैं, और सैटेलाइट सेल्स वो न्यूरॉन सेल को सपोर्ट देते हैं, ओके, तो दीज आर द सैटेलाइट सेल। यहां पे ओलिगोडेंड्राइट देखिए, ये नर्व फाइबर जो है उसके साथ एसोसिएटेड है, ये है आपका ओलिगोडेंड्राइट। चलिए फिर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कैसे होता है, शॉर्ट में देखते हैं। इंपल्स आर रिसीव्ड बाय साइटोन बाय डेंड्राइट, तो डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन के, उनसे सिग्नल वो रिसीव करता है, फिर उसको साइटोन में पास करता है, फिर टीलोडेंड्रॉन तक उसको लेके जाते हैं, ओके, थ्रू एक्सॉन। सो दिस फंक्शनल कॉन्टैक्ट जो होता है एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, इसी को हम लोग साइनैप्स कहते हैं, यानी कि दो न्यूरॉन जो इंटरकनेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट एकेंसी कनेक्ट नहीं होते, एक गैप जंक्शन से कनेक्ट होता है, और ये गैप जंक्शन कैसे बनता है फिर से देखते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन है, इसका ये डेंड्रॉन और ये हो गया एक्सॉन, ऐसा दिखा सकते हैं। जो दूसरा न्यूरॉन होगा, तो देखिए ये है आपका एक्सॉन का नॉब और ये है आपका डेंड्राइट, तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन नॉब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्टेड रहता है, ओके, और इस तरह एक यू कैन सी व्हाट स्पेशल जंक्शन बनता है, इसी जंक्शन को हम लोग साइनैप्स कहते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे एक्सॉन का जो टर्मिनल है और डेंड्रॉन का जो टर्मिनल है वो फिजिकल कॉन्टेक्ट में रहता है, एक गैप क्रिएट होता है और इसी गैप को हम लोग साइनैप्स या साइनैप्टिक जंक्शन कहते हैं। सो तो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप जंक्शन बिटवीन द डेंड्रॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सॉन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन, तो इसी जंक्शन के थ्रू एक न्यूरॉन का सिग्नल, जैसे सिग्नल कैसे आएगा, ये देखिए ये है आपका डेंड्राइट, दिस इज योर डेंड्राइट, और ये है आपका डेंड्रॉन, ये है साइटॉन, ये है आपका एक्सॉन, तो यहां पे जो सिग्नल आया, तो यहां पे जो सिग्नल आएगा, ओके, तो सबसे पहले वो डेंड्राइट से डेंड्रॉन, फिर साइटॉन, फिर एक्सॉन, टर्मिनली आपके नॉब तक आएगा, फिर वो जंप करेगा, इट विल जंप, ओके, तो जंप कैसे करेगा अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए तो साइनैप्स को साइनैप्टिक जंक्शन भी कहते हैं। सो दिस इज द पिक्चर, सिंपल पिक्चर। तो ये हो गया आपका एक्सॉन,
दिस इज योर एक्सॉन और ये है आपका डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन का एक्चुअली वो टर्मिनल पार्ट है जिसको डेंड्राइट कहते हैं। ओके, तो एक्सॉन का जो टिप है उसको एक्सॉन नॉब कहते हैं। और देखिए तो एक एक्सॉन कोरस्पॉन्डिंग यू कैन सी डेंड्रॉन के साथ कनेक्टेड है, ओके, विद अ गैप जंक्शन। तो ये जो गैप आपको यहां पे स्पेस दिख रहा है इसी स्पेस को कहते हैं आपका साइनाप्स या साइनाप्टिक जंक्शन। तो जिसका गैप अभी ये जो आपका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है खाली 20 नैनोमीटर। तो ओके ओके डिस्टेंस है और साथ में इसके तीन कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट कौन है? पहला कंपोनेंट ए इज द प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनाप्टिक मतलब साइनाप्स के पहले वाला, ये जो आपका मेम्ब्रेन है एक्सॉन का वो सरफेस, ये हो गया आपका ए पार्ट। फिर दूसरा है पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट ये वाला जो लेयर है दिस इज द पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन बी, ओके, जिसमें होते हैं रिसेप्टर्स, यहां पे आपको रिसेप्टर्स दिखेंगे। और तीसरा होता है द गैप, जो एक्चुअल गैप है सी, ये हो गया आपका व्हाट सी पार्ट, ओके, व्हिच इज द साइनाप्टिक लैग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि साइनाप्स में मेरे को थ्री कंपोनेंट, प्री मतलब पहले, साइनाप्स के पहले वाला मेम्ब्रेन, साइनाप्स के बाद वाला मेम्ब्रेन, और बीच में जो गैप है वो है आपका साइनाप्टिक क्लेफ्ट। तो एक्चुअली नेचुरली डेफिनेशन का इट इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एक्सॉन नॉब ऑफ वन न्यूरॉन, एक्सॉन नॉब दिख रहा है आपको, एंड द डेंड्राइट एंड ऑफ द डेंड्रॉन। तो दिस इज द डेंड्राइटिक एंड जो अभी बताया ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। और एक्सॉन नॉब के अंदर आपको क्या दिख रहा है अभी देखते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक्सॉन नॉब के अंदर आपको छोटे छोटे कैप्सूल दिख रहे हैं जिसको कहते हैं वेसिकल्स, और उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो एक्सॉन वेसिकल के अंदर है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, जो जैसे ही इंपल्स आता है, तो जैसे ही इंपल्स नेचुरली आता है रिसीव होता है, तो ऊपर से एक्सॉन से जो है सिग्नल आ रहा है वो अल्टीमेटली नॉब तक पहुंचता है। तो सिग्नल है रीच टू द नॉब, और जैसे ही कैन सी नॉब तक सिग्नल आता है सम ऑफ द वेसिकल वो मूव करते हैं और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आके वो केमिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज कर देते हैं, ओके। और इस केमिकल का जो फंडामेंटल केमिकल है वो है एसिटिल कोलिन, विच इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। ये है न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट करता है सिग्नल हो जाता है जंप, दैट इज द सिग्नल जंप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, ओके। तो सिग्नल आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ओके, और अब फिर से एक गैप नए सिग्नल के लिए क्या है, स्टार्ट हो जाता है, ओके। अब जैसे एक सिग्नल ट्रांसपोर्ट हुआ ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको ब्लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल, इसको कहते हैं एसिटिल कोलीन एस्टरेज। चलिए अभी फंक्शन देखते हैं, तो व्हाट इज द फंक्शन, चेक वन बाय वन। तो पहला है कीप अस अवेयर, सेंसेशंस जो है नेचुरली उसी की वजह से हमको मालूम पड़ता है कि आसपास क्या हो रहा है। Then performs all intellectual activities. Brain activity का सबसे important part है intellect, thinking ability, association ability, okay? Then coordinates all voluntary actions. जितने भी actions हमारे will power से होता है, इच्छा से होता है. Then it also regulates the involuntary activities. Then controls body secretion. तो glands जो है जितने भी secretion control करते हैं, okay, release करते हैं, वो भी naturally nerve impulse के through होता है. सब एग्जांपल हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एंड इन्वॉल्व्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ एक्शन ऐसे वॉलंटरी एक्शन अचानक इनवॉलंटरी हो जाते हैं, ओके ओके, दिस इज द सेफ्टी मेजर। एंड देन इट मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस, तो बॉडी के अंदर जो कंडीशंस को मेंटेन करने को होम्योस्टेसिस कहते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोनल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम जो है, टिश्यू जो है वो हार्मोन के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्पेशल पॉइंट देखते हैं, तो कार्डियक मसल में, अभी लास्ट पार्ट हो गया अपना, तो कार्डियक मसल में जो सेल जंक्शंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके अल्टीमेटली एक दूसरे को स्टिक कर देते हैं, और बीच में होता है इंटरकनेक्टेड डिस्क, ओके, जिससे एक कार्डियक मसल जो है दूसरे कार्डियक मसल के साथ मिलके एक यूनिट बन जाता है, ओके। इससे क्या होता है कि एक सेल को भी अगर सिग्नल मिला तो वो सिग्नल रैपिडली दूसरे सेल तक जाता है और सारे सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो अदर सेल्स ऑल्सो वर्ड contract simultaneously, so that's why you can see contraction fast ho jata hai. The initial granules jo hai they are rich in RNA and ribose protein, isse proteins banta hai,
एंड द मैच्योर न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूज सर हमने देखा रीजनरेशन प्रॉपर्टी एकदम कम है क्योंकि मैच्योर न्यूरॉन जो जितने भी देखे अगर वो डैमेज हो गए तो फिर से रीजनरेट नहीं होता है. तो एजिंग जो होता है बुढ़ापा जो है वो नर्व के डैमेज की वजह से होता है और इसका कारण है उनमें सेंट्रियोल नहीं होता है. न्यूरॉन सेल्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है आपका द मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू द टू रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द एनिमल टिश्यू कैटेगरी. तो इस तरह एनिमल टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया. चलिए अब बारी है to go through some of the MCQs related to the topic muscular and nervous tissue. तो एक एक करके हम लोग 25 MCQ को स्टडी करेंगे, देखेंगे what is the right answer and how to get it very quickly. Okay? तो चलते हैं. तो सबसे पहले we'll talk about you can see simple questions, level 1 के questions देखते हैं. तो पहला question कौन सा आ रहा है? पहला question है smooth muscle fibers are not referred as. तो स्मूथ मसल फाइबर को क्या क्या कहते हैं अपने दिमाग में लाइए. क्योंकि उसको विसरल कहते हैं, उसको अनस्ट्रिप्ट कहते हैं, स्ट्रेटेड कहते हैं. तो अब जब ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक जो आपको बताया वो ज़रूर करना है आपको कि जब आप एमसीक्यू करते हैं या प्रिपेयर करते हैं या उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शंस को पहले मत देखिए, उसको छुपा दीजिए पेपर से या किसी दूसरे नोटबुक से. पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के आंसर जज करने की कोशिश कीजिए. ओके, उसके बाद में फिर ऑप्शंस को क्या है ऑब्जर्व कीजिए. तो ऑप्शन देखिए क्या है, ट्रांजिटरी मसल है, इनवॉलंटरी मसल है, विसरल मसल है एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल है. तो नेचुरली स्मूथ मसल फंक्शन के हिसाब से क्या है आपका इनवॉलंटरी है. करेक्ट, तो फंक्शन के हिसाब से वो इनवॉलंटरी है, पोजीशन के हिसाब से वो इंटरनल ऑर्गन्स में है, इंटरनल ऑर्गन्स में है, सो वो विसरल है. ये करेक्ट है, और उसमें बैंड्स नहीं है, देयर इज नो बैंड्स. करेक्ट, तो देयर इज नो बैंड्स, तो दैट्स व्हाई नॉन स्ट्रेटेड मसल है. तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो गया ट्रांजिटरी मसल. तो ये है आपका राइट आंसर. तो ट्रांजिटरी मसल इज द राइट आंसर. ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स इज ऑल एक्सेप्ट, यानी कि न्यूरोग्लिया सेल्स का फंक्शन इनमें से कोई एक नहीं होगा. तो नेचुरली अभी क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन मत देखिए, तो ये देखिए कि न्यूरोग्लिया सेल्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं. तो उसमें से एक फंक्शन जो है वो नहीं रहेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है. तो वेरी इजी, तो न्यूरोग्लिया का डेफिनेशन क्या है, इट इज ए नॉन सेंसरी सेल्स विच हेल्प्स इन सपोर्ट ओके न्यूट्रिशन एंड अदर थिंग्स. ओके, तो देखते हैं कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं. चलिए ऑप्शन अभी आपके सामने है, तो इसमें से अभी आपको राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है. तो देखिए डिफेंस का काम करता है, तो ये तो फंक्शन है, सपोर्ट का भी काम करता है, न्यूट्रिशन जो है उसका भी काम करता है कुछ सेल्स, कंडक्शन जो है इट इज द फंक्शन ऑफ, कंडक्शन इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स का फंक्शन है जो बेसिक यूनिट है आपके कैन सी नर्वस सिस्टम के. तो कंडक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ न्यूरो, हाँ दे हेल्प इन कंडक्शन, ओके दे इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कंडक्शन बट दे डोंट एक्चुअली कंडक्ट द इम्पल्स. तो इसके लिए आपका राइट आंसर यहाँ पे है कंडक्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है. दिस इज नॉट द टाइप ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन फंक्शन, तो न्यूरॉन के टाइप्स बेस्ड ऑन फंक्शन अभी हमें मालूम होना चाहिए, तो याद कीजिए. तो उसमें देखिए फंक्शन के हिसाब से कौन कौन सा टाइप है, पहला है सेंसरी, तो सेंसरी का काम क्या है, सिग्नल को नेचुरली कहाँ पे लेके जाना, सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से उसको लेके जाना है आपका ब्रेन के पास सिंपल टर्म्स में. ओके, और मोटर न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो क्या है, वो ब्रेन के सिग्नल को नेचुरली लेके जाना है टारगेट ऑर्गन के पास, टारगेट ऑर्गन के पास. और एसोसिएशन जो है वो क्या करता है, ये ब्रेन अपना सेंसरी और मोटर को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है, इट इंटरकनेक्ट्स. करेक्ट, तो फिर बचा जो वर्ड है वो है मिक्स्ड, तो मिक्स्ड इज ए टाइप ऑफ नर्व. ओके, तो नर्व का वो टाइप है एंड इट इज नॉट अ टाइप ऑफ द न्यूरॉन. ओके, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा मिक्स्ड वर्ड. ओके,
चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल क्या है। यहाँ पे फिर से नेचुरली आपको ये डेफिनेशन ही पूछ लिया है, ओके तो हु इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल, हमें मालूम है वो है आपका सार्कोमियर। लेकिन सार्कोमियर जो है वो ऑप्शन ही नहीं है। अभी आपको ये मालूम चाहिए कि सार्कोमियर का वैकेंसी लोकेशन क्या है, इट इज बिटवीन द टू जेड लाइन, तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है उसको सार्कोमियर कहते हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सार्कोमियर का क्या है कैरेक्टरिस्टिक बताया, इट इज अ पोर्शन, ओके जैसे हमने देखा था फाइबर, ये है आपका द स्मॉलेस्ट फाइबर जिसको आपका कहते हैं मसल फिब्रिल, तो उसमें ये है आपका थिक फिलामेंट्स जिसको मायोसिन कहते हैं, और इसी के अंदर होते हैं थिन फिलामेंट्स, और थिन फिलामेंट जिस प्लेट से निकलते हैं उसको कहते हैं जेड लाइन। तो एक लेफ्ट साइड से आ रहा है और दूसरा आपका राइट साइड से निकल रहा है, ओके तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है उसी को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है पोर्शन बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन, क्योंकि यू में राइट ए बैंड एंड यू कैन सी आई बैंड, जो रॉन्ग हो जाएगा, ओके चलो तो पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन इज द सार्कोमियर एंड सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या रहा है, दिस इज नॉट वन ऑफ द कवरिंग मेंबर्स ऑफ द नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर्स कैसे बनते हैं, एक्सॉन जो है वो बंडल बनाते हैं और उनसे बनता है नर्व फाइबर्स, और नर्व फाइबर्स को एक प्रोटेक्टिव शीट दिया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू का शीट दिया जाता है, तो इन शीट्स को हम लोग न्यूरियम कहते हैं, ओके तो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवरिंग मेंबर नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू मेंबर नहीं है। जैसे अभी सबसे छोटा तो सबसे छोटा फाइबर एक्चुअली रहता है वो है एक्सॉन, ये एक्सॉन फाइबर है, उसको माइलिन शीथ का कवर होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सॉन मिलके एक बंडल बनता है, सो दिस इज द एक्सॉन का ये बंडल। तो एक्सॉन को जो बंडल बना तो उसको जो कवर मिलता है दैट कवर इज द एंडोन्यूरियम। फिर ऐसे बहुत सारे बंडल्स बनते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में भी यहाँ पे स्पेस रहेगा, इस स्पेस में जो कनेक्टेड टिश्यू होता है उसको कहते हैं पेरी न्यूरियम, और ये सारे के सारे बंडल जो है मिलके बनता है आपका वाट, ए सिंगल कंप्लीट नर्व बंडल पूरा, उसका जो कवर है उसको कहते हैं एपीनियम। तो एपी को मतलब होता है आउटर, ओके आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द नर्व फाइबर। तो इसके लिए अभी देखो एक और हिंट है, मायो का मतलब होता है मसल, ओके मायोन्यूरियम जो है इट इज नॉट ए कवरिंग, तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है मायोन्यूरियम, ओके चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट रिलेटेड विद स्मूथ मसल फाइबर। तो स्मूथ मसल फाइबर से कौन सा कैरेक्टर रिलेटेड नहीं है, तो कैरेक्टर देखना पड़ेगा। तो स्मूथ मसल फाइबर्स के या तो फंक्शन वाला कैरेक्टर रहेगा, स्ट्रक्चर वाला कैरेक्टर रहेगा, ओके तो पढ़ लीजिए, देखिए पढ़ लीजिए, ट्राई टू यू कैन सी जज द आंसर। तो स्मूथ मसल फाइबर आपको मालूम है इट इज इलोंगेटेड, है ना, हैविंग यू कैन सी न्यूक्लियस इन द सेंटर, और उसमें बैंड्स नहीं होता है। तो देखिए स्पिंडल शेप इलोंगेट सेल, ये तो कैरेक्टर है। मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, यस सिंगल न्यूक्लियस होता है। लाइट एंड डार्क बैंड सीन प्रोमिनेंटली, नहीं लाइट बैंड डार्क बैंड होता ही नहीं है। एंड फाइबर्स आर जनरली अनब्रांच, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फोर ऑप्शन इज द सी, लाइट एंड डार्क बैंड आर सीन प्रोमिनेंटली, it is not seen prominently, इसके लिए ये right answer है। चलिए next, junction between Savan shell, very easy, इसको कहते हैं आपका रणवीर सिंह का node, okay, it is not रणवीर सिंह, it is node of रणवीर, okay, तो रणवीर नाम के scientist ने इसको define किया था, अगर रणवीर सिंह ने किया होता तो naturally उसका नाम node of रणवीर हो जाता, आप भी कीजिए, अगर आपका surname सिंह है तो node of सिंह हो जाएगा, okay, कुछ तो भी ऐसा discover कर सकते हैं आप, okay So, Schwann cells जो एक्सॉन फाइबर को रैप करते हैं तो छोटा सा गैप यू कैन सी बन जाता है, तो उस गैप को नोड ऑफ रणवीर कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉक्ड द मेनी शॉर्ट एफरेंट प्रोसेस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्शन. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इंडायरेक्ट किया है. बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्शन एक इनसे बताओ बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्शन कौन है आपका न्यूरॉन है. तो न्यूरॉन तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन हैज ए साइटोन पार्ट जो क्या साइटोन जिसमें से शॉर्ट प्रोसेस निकलते हैं. शॉर्ट प्रोसेस के होते हैं ब्रांचेस. ये शॉर्ट प्रोसेस हो गया और फिर एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. तो लॉन्ग प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सॉन. तो शॉर्ट प्रोसेस है उसको एफरेंट प्रोसेस कहते हैं. तो एफरेंट प्रोसेस को क्या कहते हैं डेंड्रॉन कहते हैं. ओके तो यू मे गेट कंफ्यूज विद डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट. तो यहाँ पे एफरेंट प्रोसेस तो मेन प्रोसेस इज डेंड्रॉन. उसके जो ये ब्रांचेस है इन ब्रांचेस को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं. तो दे आर नॉट आस्क्ड अबाउट यू कैन सी ब्रांचिंग जिसको आर्बोरेशन कहते हैं. आर्बोरेशन आर्बोर मतलब ट्री जैसा ब्रांचिंग. आर्बोर का मतलब ट्री होता है. ओके अगर इधर ऐसा आता द मेनी शॉर्ट यू कैन सी आर्बोरेशन इज कॉल्ड तब आपका डेंड्राइट आंसर होता. तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है डेंड्रॉन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज सिनसाइटियल. अब सिनसाइटियल कंसेप्ट को फिर से मैं आपको बताता हूँ तब आपको इमीडिएटली समझ जाएगा. तो सपोज दिस इज वन सेल उसके बाजू में दूसरा सेल है एंड दे आर अरेंज इन ए लीनियर फैशन लाइक दिस. और नेचुरली अभी पांच सेल दिखाया है एवरीबडी हैज वन वन न्यूक्लियस ईच. तो अगर इन बीच इनके बीच का ये जो जंक्शन है ये डिसॉल्व हो गया तो एक कॉमन ऐसा लंबा सेल बन जाएगा और जिसमें यू कैन सी दिस फाइव न्यूक्लियस विल रिमेन सस्पेंडेड. तो यहाँ पे क्या हो गया कॉमन सिन मतलब टुगेदर. सिन का मतलब कंबाइन होना या टुगेदर होना और साइटियल मतलब साइटोप्लाज्म. साइटियल मतलब रिलेटेड टू साइटो तो कॉमन साइटोप्लाज्म हो गया. ओके तो इससे नेचुरली एक और कंडीशन डेवलप होता है दैट इज मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. तो एक मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है. तो ये स्ट्रक्चर जो है किस मसल फाइबर में रहता है तो नेचुरली वी हैव स्टडीड इट इज फाउंड इन व्हाट स्केलेटल मसल. तो स्केलेटल मसल आर सिनसाइटियल. ओके हैविंग मल्टी न्यूक्लियर व्हाट स्ट्रक्चर. और उसमें नेचुरली एक और फीचर अगर इसमें बता देंगे तो उसमें आपको क्या दिखने वाला है उसमें दिखेगा आपको अल्टरनेट यू कैन सी लाइट बैंड डार्क बैंड लाइक दिस दिखेगा. तो दिस स्ट्राइशंस आर सीन. तो ये आपका एक बन गया आपका सिंगल यू कैन सी व्हाट स्ट्राइटेड मसल फाइबर तैयार हो गया. ओके चलिए नेक्स्ट जेड लाइन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल ऑल्सो इज कॉल्ड विच मेम्ब्रेन. ओके तो नेचुरली जेड का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन है. डूबी लाइन कहते हैं तो देखिए ये ऑप्शन है कि नहीं. हैंसन लाइन तो नहीं है. निसल लाइन भी नहीं कहते हैं. अभी दो में आप कंफ्यूज होंगे. जीमैन जीमैन कंफ्यूज करने के लिए दिया है. जेड लाइन को क्रॉजी लाइन भी कहते हैं. ओके और जीमैन खाली कंफ्यूज करने के लिए कर दिया क्योंकि जेड नेचुरली अगर स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जेड को जीमैन से रिलेट करेगा और जीमैन डाल देगा. ओके और उसका हो जाएगा जीमैन जीमैन. ओके तो करेक्ट आंसर इज क्रॉजीज मैम मेम्ब्रेन विच इज द अदर नेम ऑफ जी लाइन. ओके उसको डूबी लाइन भी कहते हैं. ओके चलिए अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द पार्ट. तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कौन सा टिश्यू है. तो दिस टिश्यू है आपका कार्डियक मसल. एज यू कैन सी यहाँ पे एक मसल फाइबर है दूसरा मसल फाइबर है तीसरा है चौथा है पांचवा. दे आर एक्चुअली क्रॉस लिंक्ड विद हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रिजेस. ओके तो चलिए ए बी सी को आपको आइडेंटिफाई करना है. सो वेरी इजी. तो ए क्या है. ए तो एक इज सीन एज दिस स्ट्राइशन. तो ए स्ट्राइशंस है साइनोसर्ट्स तो नहीं है. मायोप्लाज्म हो सकता है. ओके तो फिर अगर आपको मायोप्लाज्म और स्ट्राइशन में थोड़ा सा कंफ्यूज रहे तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. बी क्या है. बी इज दिस पार्ट. तो ये देखिए ये एकदम सिंपल है इंटरकलेक्टेड इज. तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं है. ओके सो अल्टीमेटली फिर सी क्या है. ये स्पेस जो आपको दिख रहा है फाइबर जहाँ पे ब्रांच होते हैं तो स्पेस क्रिएट होता है. इसमें ब्लड रहता है उसको ब्लड साइनोसॉइड्स कहते हैं. और डी इज जनरली वेरी इजी न्यूक्लियस. तो अल्टीमेटली करेक्ट आंसर है आपका सी. सी इज द करेक्ट आंसर. तो इन डायग्रामेटिक केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके क्योंकि हो सकता है तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे एक ही ऑप्शन की वजह से आपको राइट आंसर यू कैन सी सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके चले नेक्स्ट. द नेचर ऑफ इम्पल्स ट्रेवलिंग थ्रू न्यूरॉन इज. तो न्यूरॉन के थ्रू जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है वो कैसा रहता है.
तो नेचुरली दिस इंपल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि पार्शियली वो इलेक्ट्रिकल होता है और पार्शियली वो कहता है केमिकल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स फ्लो थ्रू द न्यूरॉन. ओके, तो इलेक्ट्रिकल जब वो डेंड्रॉन से एक्सॉन तक पहुंचता है, वो एक एक्सॉन से जब दूसरे डेंड्रॉन तक ट्रांसमिट होता है, तब आपका न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज आपका एसिटिल कोलिन रिलीज करना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोकेमिकल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड मैन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो ओरिजिन के हिसाब से मतलब कौन सा सेल, अभी देखिए ये सारे सेल्स जो हैं ये आपके नर्वस टिश्यू से रिलेटेड है. ओके, इसमें कौन सा है, वो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. बाकी जितने भी सेल्स है दे आर हैविंग कॉमन ओरिजिन. न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो है दे आर मॉडिफाइड सेल्स. चलिए नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्युलैरिटी ऑफ द कार्डियक मसल. अभी दो दो ऑप्शन है तो नेचुरली हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो कार्डियक मसल का अभी पिक्चर आपने देखा था, तो स्ट्राइशंस है, पेरिफेरल न्यूक्लियस तो होता है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है. लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्युलैरिटी बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए पिक्युलैरिटी, सेकंड क्या है, न्यूरोजेनेसिटी एंड ब्रांच. तो उसको नर्वस सिस्टम दैट इज से आपको मिलता है सिग्नल और साथ में वो ब्रांच है. ओके, ये भी करेक्ट है. देन आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये भी एक्चुअली मसल का तो ये बेसिक है. फिर इंटरकनेक्टेड डिस्क और मायोजेनेसिटी मीन्स व्हाट, कि जो दो सेल्स है कार्डियक सेल्स जो हमने अभी बताया था डायग्राम से, मैं आपको अभी शो करता हूं. तो ये आपका एक सिंगल कार्डियक मसल है, इसमें तीन इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, न्यूक्लियस हर एक में रहेगा. ये दूसरा आपका कार्डियक फाइबर यहाँ पे दिखा दिया, उसके भी इंडिविजुअल सेल्स हैं एंड दे आर एक्चुअली क्रॉस ब्रिज लाइक दिस. जो दो सेल जहां पे कनेक्ट रहते हैं वहां पे होता है एक सेल जंक्शन, जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं. ओके, जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर देता है दो कार्डियक मसल्स को, यानी कि ऐसे है कि दोनों कार्डियक मसल के जो एंड्स है वैसा आप दो फिंगर की तरफ देखें, तो एक कार्डियक मसल के एंड का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दूसरे कार्डियक मसल के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के साथ इंटरलॉक हो जाता है. और इससे ये होता है कि एक सेल को अगर सिग्नल मिलेगा वो रैपिडली आजू बाजू के जितने भी सेल्स हैं उन तक पहुंच जाता है एंड दैट्स व्हाई कॉन्ट्रैक्शन बिकम वेरी फास्ट. ओके, और साथ में हार्ट जो है वो खुद अपनी एबिलिटी से क्या है सिग्नल जनरेट करता है, दैट्स व्हाई उसको मायोजेनेसिटी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मायोजेनेसिटी. मायो मतलब मसल, तो हार्ट मसल जनरेट्स द इंपल्स फॉर इट्स हार्ट बीट इटसेल्फ, इसके लिए उसको मायोजेनेसिटी कहते हैं. और उसको नर्व का भी कैन सी व्हाट इनर्वेशन होता है. ओके, बेसिकली आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पिक्युलैरिटी, क्योंकि ये पिक्युलैरिटी जो है ये आपको बाकी मसल्स में नहीं मिलेगा. चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स का सबसे प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो उसका डिस्कशन पहले हो गया था. तो यू हैव टू जस्ट रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस वेरी केयरफुली. So they are non-sensory supporting or secretory cells. Okay, so this is the correct definition about neuroglial cells. That they don't sense anything, they don't conduct any impulse. हाँ, वो support करते हैं impulse को neuron के through pass होने में. Okay, जैसे Schwann cells है आपका, oligodendrites है, वो support करते हैं, protect करते हैं, and some of them secrete growth chemical. जैसे Schwann cell produce करता है myelin sheath. चलिए next. इन शीथिंग मतलब कवरिंग ऑफ मसल वाया फाइब्रस कैप्सूल क्या कहते हैं. तो मसल जो है नेचुरली उसको भी कवरिंग रहता है कनेक्टेड टिश्यू का, जो सबसे बाहर वाला कवर रहता है उसको कहते हैं फैशिया. क्या कहते हैं, फैशिया. और सिंगल सिंगल जो बंडल्स बनते हैं छोटे छोटे बंडल उसको पेरीमाइसियम कहते हैं. सो आउटर मोस्ट जो फाइब्रस कनेक्टिव कैप्सूल होता है उसको फैशिया कहते हैं, मसल फैशिया भी कहते हैं. चलिए नेक्स्ट, टीलोडेंड्रॉन्स द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सॉन, उसमें क्या रहता है उसका भी देखो. अभी हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स का टॉपिक लिया था अभी, ओके, उसमें बताया था. तो इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और वो है आपका एसिटिल कोलीन. तो एसिटिल कोलीन इज प्रेजेंट इन द टीलोडेंड्रॉन और टीलोडेंड्रॉन का टर्मिनल पार्ट है आपका एक्सॉन नॉब. तो एक्सॉन नॉब में होता है द वेसिकल्स और इस वेसिकल्स में होते हैं आपके
एसिटिल कोलिन। तो अगर आप एकेंसी आप एक एक्सॉन टर्मिनल लेते हैं तो ये आपका वो एक्सॉन का टर्मिनल है जिसको टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। इसके टिप में होता है आपका नॉब और इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स रहते हैं जिसमें होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। ओके, और यही एसिटिल कोलिन अभी नेबरिंग नेक्स्ट जो आपका न्यूरॉन है उसके डेंड्रॉन के साथ क्या है एसोसिएट होके ट्रांसफर कर देता है सिग्नल। ओके, तो एक्सॉन के टर्मिनल सरफेस से डेंड्रॉन के इनिशियल सरफेस तक एक्चुअली एक केमिकल ट्रांसमिट हो जाता है इधर। तो इस तरह एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है, इसके लिए इसको इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल कहते हैं। इस हिस्से तक क्या है आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रहा है या फ्लो हो रहा है और इस पॉइंट में इस पॉइंट से एक्सॉन टर्मिनल से लेके आपका डेंड्रॉन का जो कैंसी इनिशियल पार्ट है जिसको डेंड्राइट कहते हैं वहां पे केमिकल कैंसी ट्रांसमिशन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस वेरी केयरफुली वर्ड बाय वर्ड क्योंकि एक सिंगल वर्ड की वजह से आपको राइट आंसर मिलेगा। तो स्केलेटल मसल्स आर प्रोन टू फटीग, वो जल्दी थक जाते हैं एंड शो स्लो कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए स्लो कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं। फिर कार्डियक मसल आर स्ट्रक्चरली स्केलेटल, तो दिखने में वो स्केलेटल मसल कितने हैं स्ट्रिप्ट होते हैं लेकिन फंक्शनली दे आर विसरल, बराबर है ये कार्डियक मसल का पॉइंट एकदम परफेक्ट करेक्ट है। एसोसिएशन ऑफ इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट ओनली इन नर्व सेंटर, यस जहाँ पे नेक्स्टली एसोसिएशन करना है अंडरस्टैंडिंग करना है सिग्नल को वहाँ पे रहते हैं। देन मोस्ट अबाउट एबंडेंट, सबसे ज्यादा सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन आर एस्ट्रोसाइट्स, यस दे आर ऑल्सो करेक्ट। तो आपका अल्टीमेटली पहला जो ऑप्शन है वो है राइट आंसर क्योंकि स्लो की जगह पे होना चाहिए था फास्ट। तो स्केलेटल मसल जो है वो जल्दी थक जाते हैं लेकिन जब उनको सिग्नल मिलता है दे कॉन्ट्रैक्ट वेरी फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम आ रहे हैं लेवल एकेंसी थ्री पे। इनकरेक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट टिश्यू टाइप, इनकरेक्ट टिश्यू टाइप इसमें से कौन सा है, जैसे स्मूथ मसल आपके गट वॉल में, गट वॉल में इंटेस्टाइन मतलब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, ब्लड वेसल में, तो ये करेक्ट है। ओके, देन कार्डियक मसल जो होता है वो मायोकार्डियम मतलब आपका हार्ट का मिडल लेयर उसमें होता है, ये भी करेक्ट है। इसमें ओरिकल और वेंट्रिकल द टू मेन चैम्बर्स, अपर चैम्बर ओरिकल, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, ये भी करेक्ट है। गैंग्लियंस दे आर द क्लस्टर ऑफ साइटोन इन पीएनएस एंड एएनएस, ये भी करेक्ट है। तो अल्टीमेटली ये होना चाहिए आपका राइट आंसर। नर्व ट्रैक्ट बोला है, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर इन पीएनएस एएनएस, नहीं इट इज द नर्व ट्रैक्ट उन फाइबर्स को कहते हैं जो आपके सीएनएस यानी कि ब्रेन के अंदर रहते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है नर्व ट्रैक्ट क्योंकि ये ऑप्शन एक्चुअली इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सार्कोमियर, तो कौन सा इसमें से जो एस्पेक्ट है वो सार्कोमियर से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए पहला एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक बैंड होता है, ए बैंड आई बैंड या डार्क बैंड एंड लाइट बैंड होता है, एच लाइन और जेड लाइन होता है, यस। देन मायोसिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, रेटिकुलेंट होते हैं क्या नहीं सोचते हैं। लास्ट में दिया है सार्कोलेमा द आउटर कवरिंग इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव और सार्कोप्लाज्म द अंदर का फ्लूइड, ये होता है। तो अल्टीमेटली आंसर आपका मिला सी। तो सी में एक्चुअली रेटिकुलिन फिलामेंट्स डाल दिया है जो एब्सेंट रहते हैं। तो मसल में दो इंपॉर्टेंट फिलामेंट रहते हैं मायोसिन एंड एक्टिन, रेटिकुलिन की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है सी ऑप्शन, मायोसिन एक्टिन एंड रेटिकुलिन फिलामेंट में एक्चुअली रेटिकुलिन फिलामेंट्स की वजह से आंसर रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट, रीड द फोर स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इधर भी आपको हर सेंटेंस को ठीक से देखिए, ट्रू एंड फॉल्स करने की कोशिश करना है आपको। ओके, तो कार्डियक मसल शोज बोथ मायोजेनेसिटी एंड न्यूरोजेनेसिटी, मतलब मायोजेनेसिटी मतलब जो सिग्नल है हार्ट के फंक्शनिंग के लिए कि वो हार्ट खुद डेवलप करता है, मायो मतलब मसल, तो हार्ट हैज ए स्पेशल नोडल टिश्यू और उसको नर्व सप्लाई भी किया जाता है। ओके, देन विसरल मसल हैव सेंट्रल न्यूक्लियस एंड एएनएस कंट्रोल, एंड साइटोन इज ऑल्सो कॉल्ड बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी नहीं कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं। शवान सेल सीक्रेट फैटी इंसुलिन अराउंड एक्सॉन, यस उसी को हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं।
तो चलिए अभी आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये तो पॉसिबल नहीं है. ओनली वन एंड थ्री करेक्ट या वन एंड यू कैन सी आर इनकरेक्ट. ओके, तो देखिए कैसा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है. ओनली थ्री इज इनकरेक्ट. ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका वन एंड थ्री आर इनकरेक्ट. तो पहला ऑप्शन और जो आपका तीसरा ऑप्शन इज इनकरेक्ट. उसका कारण है कि कार्डियक मसल जो है मायोजेनेसिटी, यहाँ पे मतलब है आपका कि हार्ट का जो इनिशिएशन है वो मसल, हार्ट के मसल खुद करते हैं, तो ब्रेन से सिग्नल नहीं आता है. तो ब्रेन से अगर हार्ट मसल को कंट्रोल करने का सिग्नल आता है तो उसको न्यूरोजेनेसिटी कहते हैं. ओके, तो कार्डियक मसल शोज मायोजेनेसिटी एंड ऑटोरिदमिसिटी. उनको नर्व सप्लाई होता है, जैसे मैंने पिछले ऑप्शन बताया, इट हैज गॉट द नर्व सप्लाई फ्रॉम ANS. ओके, बट द हार्ट का जो इनिशिएशन है, हार्ट बीट का इनिशिएशन, वो हार्ट खुद अपने एबिलिटी से करता है, दैट इज कॉल्ड मायोजेनेसिटी. ओके, चलिए नेक्स्ट. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस इन मसल फाइबर फ्रॉम रिलैक्स टू कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. यानी कि मसल फाइबर जब रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, नॉर्मल स्टेट जो मसल फाइबर का होता है वो रिलैक्स होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस दौरान क्या चेंजेस आता है. तो लेंथ ऑफ द सार्कोमियर रिमेन्स द सेम, नहीं. लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट चेंजेस, नहीं. द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस मूव ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिन, ये है आपका राइट आंसर. ओके, सो दिस पार्ट यू विल अंडरस्टैंड इन मोर बेटर जब हम लोग मूवमेंट्स एंड लोकोमोशंस को स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे नेचुरली हमने इसको क्या किया है, खाली इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज सार्कोमियर में होता यह है कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के अंदर क्या है, ग्लाइड होते हैं. ओके, और जब वो ग्लाइड होते हैं तो उनका जो रिलेटिव लेंथ है वो कम नहीं होता है. ओके, और इसमें मायोसिन में क्रॉस ब्रिज होता है जो एक्टिन के सरफेस पे मूव करते हैं. तो इसको मैंने आपको यू कैन सी ब्रीफ में मैंने अपने लेक्चर में बताया था. ओके, चलिए नेक्स्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ न्यूरॉन इज, तो न्यूरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, और इसी फीचर की वजह से इट इज एबल टू रिसीव द सिग्नल एंड ट्रांसमिट द सिग्नल. तो नेचुरली कौन सा लग रहा है आपको राइट आंसर, तो आपको लगेगा सारे एजेंसी राइट आंसर है, नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट है इट कैरीज, तो मैंने आपको हिंट बताया, इट रिसीव द सिग्नल एंड ट्रांसमिट द सिग्नल. रिसीव करने वाला जो प्रोसेस है उसको कहते हैं एफरेंट, दैट इज डेंड्रॉन, और ट्रांसमिट करने वाला आपका है इफरेंट, दैट इज एक्सॉन. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट प्रोसेस, जिसकी वजह से न्यूरॉन एक स्टार शेप जैसा सेल बन जाता है. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन सी स्ट्रक्चरल फीचर है न्यूरॉन का. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर जनरली सेंसरी विद वन सेल प्रोसेस, ये तो करेक्ट है भाई. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली इन CNS, ये भी करेक्ट है. फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना, ये पार्ट करेक्ट है, लेकिन वो मोटर है, ये रॉन्ग है, वो सेंसरी है. एंड एसोसिएशन न्यूरॉन को हमको मालूम है वो प्रोसेसर और इंटर न्यूरॉन भी कहलाते हैं. तो करेक्ट आंसर आपका है बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना एंड दे आर मोटर. तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो चलिए लास्ट क्वेश्चन अभी आ गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे आपको देखना है मसल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो चलिए पढ़ लीजिए. स्ट्राइशंस आर फाउंड इन मायोकार्डियम, यस, मायोकार्डियम द हार्ट और बाइसेप, दैट इज अ स्केलेटल मसल में होता है. विसरल मसल्स आर अरेंज्ड इन बंडल और लेयर, ये भी करेक्ट है. मसल फाइबर्स आर जनरली इलॉन्गेटेड, यस, ये भी करेक्ट है. सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल मसल, नहीं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ आपका स्केलेटल मसल. तो इसके लिए राइट आंसर आपका है सी. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यू कैन सी व्हाट ट्रिकी MCQs. ओके, और इसका इन सारे MCQs को जो हमने स्टडी किया, तो इससे ये बात पता चलती है कि हमें रीडिंग पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करना है, क्योंकि जो फंडामेंटल पार्ट है, तीन गोल्डन रूल्स है, रीड करना है कंटेंट को, हर चैप्टर को करना है, अंडरलाइन कीजिए रीड करते करते, हर सेंटेंस जो है पोटेंशियल MCQ है. ओके, और साथ में जहाँ पे भी डाउट है उसका क्लैरिफिकेशन आपको करना है, क्वेश्चन मार्क करके रखिए, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस डाउट बाय एनी मेथड यू कैन डू. तो आपको डाउट जो है सिंगल सिली
वर्ड का भी डाउट रहेगा, कंसेप्ट का डाउट है, उसको क्लैरिफाई करना है. तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू एक्चुअली व्हाट क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कैन सी थिंग. ओके, जितना प्रोबेबिलिटी है सब आपको बताया जाएगा. ओके, एनीथिंग एल्स यू कैन एक्चुअली व्हाट सेंड अ मैसेज टू अस एंड वी विल ट्राई टू कैन सी व्हाट सॉल्व योर डाउट. सो एंड सेकेंड थिंग, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टूडे जो आपका है एनिमल टिश्यू के चारों टाइप्स हो गए हैं कंप्लीट. तो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टुडेज वीडियो जो है आपको मिलेगा, यू कैन सी एन असाइनमेंट बोल सकते हैं या आपका होमवर्क बोल सकते हैं. तो अबाउट 400 क्वेश्चंस जो है उसका एमसीक्यू आपको मिलेगा पीडीएफ मोड में. ओके, और आपको उसको सॉल्व करना है. एंड आफ्टर वन वीक आई विल बी, यू कैन सी, पुटिंग द आंसर्स फॉर दिस 400 क्वेश्चन. तो दैट विल बी मोर देन एनफ टू एक्चुअली व्हाट क्लैरिफाई ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू व्हाट मस्कुलर और कनेक्टिव और एपिथेलियर एंड नर्वस टिश्यू, यानी कि एनिमल टिश्यू जो है आज हमारा कंप्लीट हुआ. एंड द नेक्स्ट यू कैन सी सेशन वी विल स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ एनिमल टाइप. तो चलिए स्टूडेंट, बाय फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट में नेचुरली आपके कंस्ट्रक्टिव कॉमेंट आई विल बी, यू कैन सी वॉट विल बी वेटिंग फॉर. ओके, दिल से सीखना है. ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, सब बखैर, और हैव ए गुड डे.